अर्तुरुल गाजी, तारीख इस्लाम का वो अजीम किरदार जिसने अपने ईमान, बहादुरी, कुव्वत इरादे, मुखलिसी और नादीदा रूहानी खसूसियात की बिना पर वो राहें हमवार की कि उसके बाद आने वाली नस्ल ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डाली। उस अजीम सल्तनत ने अपने जमाने उरूज में जनूब मशरकी यूरोप में वियना, हंगरी, बलकान के इलाकों, यूनान और मौजूदा यूक्रेन के कई हिस्सों तक अपनी वसतें फैलाई। मशरक वस्ता में इराक, शाम, फलस्तीन, शुमाली अफ्रीका और अल्जीरिया के साथ साथ अरब दुनिया का बहुत सा इलाका फतह किया और वहाँ इस्लामी सल्तनत का मजबूत निज़ाम कायम किया। इस अजीम सल्तनत उस्मानिया का नाम अर्तुरुल गाजी के फर्जंद उस्मान के नाम पर मशहूर हुआ। अर्तुरुल गाजी ग़ौस कबीले के सरदार सुलेमान शाह का वो बहादुर फर्जंद कि जिसने अपनी जिंदगी इस्लाम की सरबुलंदी, अल्लाह के निज़ाम के निफाज और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के गलबे के लिए सर्फ की। ये सरजमीन वतन है हमारा, एक एक कतरा अपने लहू का बहाव है, कयामत तक हम यही मुकीम रहेंगे। अर्तुरुल गाजी ने दुश्मनों के साथ साथ अंदरूनी साजिशों का भी पला कमा किया। हम भी उसे दोस्ती के धोखे में रखेंगे। भूखे गीदड़ जमा हो गए, कल एक नया सूरज निकलेगा। गीदड़ खामोश रहने वाले नहीं है। ये न सिर्फ एक जंगजू की दास्तान है बल्कि ये दास्तान उस जंगजू की जिंदगी में पाई जाने वाली मोहब्बत हलीमा सुल्तान और उसके हर दिल अजीज दोस्तों तुर्गत, बमसी और दवान के गेट घूमती हुई नजर आती है। इन तीनों ने अपनी बहादुरी से अर्तुरुल के मकसद को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर अर्तुरुल के मकसद के हुसूल में उसके साथ खड़े रहे। हलीमा अर्तुरुल की जिंदगी का वो हसीन टेक्निकल टीम, डबिंग और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काबिले सताइश हैं जिन्होंने बहुत सी मुश्किलात के बावजूद नाजरीन तक बिला तआतुल ये सीरियल पहुंचाई। बिलाशुबा किसी भी अजीम काम की सरंजामी के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है और अर्तुरुल गाजी का नशर होना इस टीम वर्क का मुंह बोलता सबूत है। तुम पर यह किला ढा दूंगा मैं, चाहे तुम कितने ही जाल क्यों ना बिछा दो हमारे लिए, अब हमें किसी तरह नहीं रोक पाओगे। अर्तुरुल को जंग के आगाज में ही ये झटका उसके औसान खता कर देगा तितान। अस्सलाम वालेकुम, आज वाकई बहुत ही प्यारी सुबह है। आई एम सो एक्साइटेड, हफ्तों से मैं एक्साइटेड थी इस शो के लिए। ऐसा शो जो अर्तुरुल गाजी पे बने, उसको कोई होस्ट, उस शो को अगर होस्ट करे जिसने ये सीरीज़ ना देखी हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाए। और मैंने ये सीरीज़ देखी पीटीवी पे नशर होने से पहले, एक्चुअली वो भी एक इत्तेफाक, जो मेरी बहन सादिया जिसके मुझे रिकमेंड किए, भी कभी फिल्में ड्रामे पसंद नहीं आते, और उसने कहा ना दिया तुम्हें देखना है तो मैं ये देखना। मैं उस वक्त इंग्लिश सीरीज़ देख रही थी, कोविड का शुरू का टाइम था, बोरियत शदीद,
और मैं जो भी सीरीज देखती थी ना, मैं कहती यार क्या बोर सब कुछ प्रोडक्शंस चल रही है, क्या देखें। तो सादिया ने मुझे कहा, और फिर मैंने जब उसने कहा कि 2-3 एपिसोड तुमने कंप्लीट करने हैं, रुकना नहीं। और जब मैं देखना शुरू हुई तो आप यकीन करें जिस स्पीड से मैंने ये 450 एपिसोड देखे, मुझे ना दिन की होश ना रात का पता, मेरी आंखें सूजी भी होती थी। मैं ऐसे सुबह उठती थी, क्या हुआ बच्चे पूछे, मैंने कहा सारी रात मैं जो हूँ नॉनस्टॉप अर्तुरुल देखती रही हूँ। और मुझ पे ऐसा उसने कुछ असर किया, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग साइमल्टेनियसली, तो हर चीज़ में ना मुझे बस वो लगता था ये कैरेक्टर्स हैं, कुछ एक अलग से मैं फेज में चली गई। मतलब इट वॉज ब्यूटिफुल। एक तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी नमाजें बड़ी रेगुलर हो गई, मेरी दुआ जो थी वो बड़ी रेगुलर होगी, बहुत सारी चीज़ों में मेरी पर्सनैलिटी, मेरी सोच, मेरे प्रैक्टिसेस में बड़ा चेंज आया। इट हैज़ बीन लाइफ चेंजर फॉर मी ऑनेस्टली। और उस वक्त मैंने दिल से दुआ की जब ये मैं एपिसोड देख रही थी कि अल्लाह करे ये सारा पाकिस्तान ये सीरीज़ देखे, क्योंकि मैं जब कुछ लोगों से बात करती थी उनको पता नहीं था, नहीं हमने तो नहीं देखी है, अच्छा हमने देखी है पता नहीं। और मैंने देखी ओरिजिनल टर्किश में, जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैं टर्किश में देख रही थी और नीचे इंग्लिश सबटाइटल्स थे, तो वो मेरा ये करके तो मेरी आईसाइट भी चली गई ना उसकी। तो मैं कह रही काश ये उर्दू डबिंग में होता, एक तो बात भी समझ आती, क्योंकि मैं बहुत जगह रिमाइंड करती थी कि अच्छा डबिंग इंग्लिश में भी जारी बात है, हमारी ज़बान नहीं तो सब बातें समझ नहीं आती, और बहुत इंटेंस बड़ी सीरियस गुफ्तगू होती थी। तो आप यकीन करें मैंने कितनी दफ़ा रिवाइंड, और दिल से मेरी दुआ निकली उस वक्त, मैंने कहा काश ये उर्दू में डब हो जाए, मैं देखूँ, मैं सुनूँ, और सब जो है इसको देखें और समझें, क्योंकि ऐसी सीरीज है जिसको समझने की भी बड़ी ज़रूरत है कि एक एक लफ्ज़। आप मुझसे ज़्यादा खुश नसीब हैं कि माशाल्लाह आप सबने जब इसको फर्स्ट टाइम देखा तो अपने प्यारे PTV चैनल, स्टेट चैनल, नेशनल TV पे देखा विद अमेजिंग उर्दू डबिंग। उससे बहुत डिफरेंस हुआ है ऑनेस्टली, बिकॉज एक एक जुमला हमें समझ आया कि बात क्या हो रही है। और आपको मैं बताऊँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड हिस्टोरिकल या पीरियड ड्रामा बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप सुपर हीरोज पे बनाए ना फिल्म आराम से जी, एनिमेशन की टीम, ग्राफिक्स की टीम, वो टकाटक टकाटक चीजें ऐड कर देते हैं, कुछ भी करते हैं और मूवी बन जाती है। बट व्हेन यू मेक अ हिस्टोरिकल ड्रामा लाइक अर्तुरुल, तब उसमें आपको रियल हीरोज चाहिए, डायरेक्टर भी आपका सुपर हीरो होना चाहिए उसमें, क्योंकि रियल चीज़ें हैं उसमें, रियल सॉर्ड फाइटिंग विद रियल सॉर्ड्स, रियल बिल्कुल कॉस्ट्यूम्स, एनवायरनमेंट, और साथ में फिर हॉर्स राइडिंग, और जो एक्शन हुआ सब कुछ वो सो रियल। एंड माशाल्लाह जैसी हमारी दोस्ती है टर्की और पाकिस्तान की, उसमें इस सीरीज़ ने हमें और भी क्लोज कर दिया है। और इतने बड़े हमारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर का इतना ज़बरदस्त जो उन्होंने हमने उनको देखा है इन 450 एपिसोड्स में, ऐसे कैरेक्टर्स हिस्ट्री में गुजरे हमें पता ही नहीं था। तो जितनी खूबसूरत ये सारी कहानी है, इसके कैरेक्टर्स हैं, हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम जिन्होंने बनाया सीरीज़ को। और ख़ास शुक्रिया हम सबको करना चाहिए PTV का कि जो पाकिस्तान तक ये लेके आए। मैं आपको बताऊं, अगर किसी ये प्राइवेट चैनल पे ये सीरीज़ चलती तो इतनी व्यूअरशिप नहीं हो सकती थी, क्योंकि PTV माशाल्लाह हर शहर में, पाकिस्तान के हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में देखा जाता है, जहां प्राइवेट चैनल्स का या वाईफाई का, इंटरनेट का तसव्वुर नहीं है, अभी भी वहाँ चीज़ें स्लो हैं, तो उनको ये दे आर हुक्ड ऑन टू इट ऑनेस्टली। जितने शौक से सबने देखा, मैं इसका क्रेज़ बताऊँ, मेरे अब्बा अभी कितने महीनों बाद कराची आए, और वो दिन में 3 घंटे कुछ ऐसे होते थे कि हमें निकाल देते थे कमरे से, बेटा आप लोग ज़रा जाओ। क्यों अब्बा, क्या वो बातें करे थे? नहीं नहीं, मेरा अर्तुरुल का टाइम हो गया, चलो बेटा PTV लगाओ। तो अब्बा के आने से पहले अब्बा ने मुझे कहा, बेटा एक चीज़ का ख्याल रखना, मेरे PTV आ रहा हो, मेरा TV हो कमरे में, उसमें PTV आ रहा हो। तो मैंने कहा बाबा वो स्मार्ट TV है, ना 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 ना, मैंने PTV देखना है, मेरा अर्तुरुल गाजी जो है ना मिस नहीं होना चाहिए एपिसोड, और वो दिन में उनको 3 दफ़ा देखना होता है, तो जितनी दफ़ा वो रिपीट होता है ही वॉचेज इट एंड ही लव्स इट। तो अब्बा ने कहा मेरा भी खास बताना, मुझे बहुत अच्छा लगी ये सीरीज़। ज़िंदगी में ऐसी चीज़ जो है ना, बड़े कम ऐसे होंगे सीरीज़ या जो आपने कभी देखी हो जो कि इतना आप पे असर कर जाएं। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, या हैविंग सेड दैट, ठीक है, जब PTV ने माशाल्लाह इसके राइट्स लिए और अब ये पाकिस्तान में चलाना है, लोगों को दिखाना है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ जाता है? इतने सारे एपिसोड्स की डबिंग करना। अच्छा चलो डबिंग करेंगे, अब नॉर्मली क्या होता है, 8-10-6 लोग होंगे एक सीरीज़ में, ड्रामे में, इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि उन सब कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करना, उनकी कोऑर्डिनेशन, उनके साथ डबिंग करानी, इतने सारे एपिसोड्स, आप समझे ना हफ्ते में कितने चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था।
तो उसके साथ ये डबिंग टीम को भी मैं कहती हूँ क्रेडिट गोज़ टू देम, माशाल्लाह इनके सारे जो आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, डबिंग आर्टिस्ट भी कमाल हैं जिन्होंने उस कैरेक्टर को अपनों कहते हैं ना अपने ऊपर बस तारी कर लिया और इतनी कमाल डबिंग की कि हो सकता था कि कहीं गड़बड़ भी हो जाए, नहीं नहीं आवाज़ सूट नहीं कर रही, नहीं इनके ऊपर सही नहीं लग रही है, बट एवरी ईच एंड एवरी कैरेक्टर उनके ऊपर जो डबिंग की गई ना कमाल थी माशाल्लाह। तो आज हम उन कैरेक्टर से मिलेंगे भी जो हमारी ज़िंदगी का जो है हिस्सा बन चुके हैं, हमारे दिल दिमाग पे तारी हो गए हैं, द इनक्रेडिबल टीम ऑफ अर्तुरुल काजी द डबिंग आर्टिस्ट जो कि बहुत सारे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, डबिंग एज एन एक्सपीरियंस बात करेंगे, आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आपको पैकेजेस दिखाएंगे और अर्तुरुल काजी का जो आप सीजन 4 इस वक्त देख रहे हैं उसके विलन्स, उसके हीरोज और उसके कुछ बहुत मज़ेदार जो मोमेंट्स हैं उन पर भी हम बात करते हैं। तो वेलकम टू मॉर्निंग एट होम अर्तुरुल काजी स्पेशल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे एक मिनट भी आप लोगों ने मिस नहीं करना क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और उन सब से हमने बात करनी है। विल स्टार्ट विद द राइटर ऑफ कोर्स के आपके लिए कितना चैलेंज होगा फहीम मुजाहिद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान के लिए पीटीवी के लिए कितनी बड़ी सीरीज के ऊपर काम करना, आई मीन आपके अदर प्रोजेक्ट्स और ये? इट्स डेफिनेटली एन ऑनर, यकीनन जो है वो एक बहुत एजाज की बात है और जिस स्कोप का और जिस लेवल का ये ड्रामा सीरियल है अपने हिसाब से, ऑब्वियसली उसके पीछे काम करना और उसकी ट्रांसलेशन और स्क्रिप्टिंग तमाम की तमाम फ्रॉम सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4, इसको सब कुछ साथ लेकर चलना एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए। 450 एपिसोड, क्योंकि ये वाहिद दुनिया का कोई सीज़न है जिसमें मैं देख रही कितने एपिसोड हैं, 100 एपिसोड्स एक सीजन में होते हैं भाई। तो एज अ राइटर जब आपको ये टास्क चले, एक तो ये चले ऑनर की बात है, बट प्रैक्टिकली इतना मुश्किल था जब आपने देखा और आपने कहा, आपका प्रोसेस क्या होता था कि कैसे आप इसको ट्रांसलेट करना लिखना? बेसिकली वैसे तो जो एपिसोड जो ऑब्वियसली रिकॉर्ड हो चुका है वो पीछे जो बोल चुके हैं वो तो अपनी जगह पर मौजूद ही है, लेकिन ऑब्वियसली उसको उर्दू ऐसी इस्तेमाल करना जो कि नॉर्मल पब्लिक के लिए बहुत आराम से समझ में आ सके और फिर इसके अलावा वो उसको पोर्ट्रे भी कर सकें, हम जितनी भी बेहतर उर्दू या जितनी बेहतरीन अल्फाज हम इस्तेमाल कर लें आर्टिस्ट उसको एक्सप्रेशंस के साथ डिलीवर करेंगे तो उसका प्रॉपर जो है वो एक्सप्रेशंस उसके जो है वो साथ में आएंगे। तो प्रोसेस भी फ्रॉम सीज़न 1 जब कहानी शुरू हुई थी उस वक्त हमने काफ़ी थोड़े से कम कैरेक्टर्स थे, आहिस्ता आहिस्ता करके कैरेक्टर्स जो हैं वो फिर बढ़ते गए, उसमें नेगेटिव कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होते चले गए। कितने कैरेक्टर्स आपको मिले उस पर? आई थिंक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है कोई 20-35 कैरेक्टर्स जो हैं वो हर सीज़न के अंदर होते हैं, जिसमें कुछ एक्स्ट्रास भी होते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो फॉर द टाइम बीइंग आते हैं और फिर उसके बाद। अच्छा, ये कोई ऐसी सीरीज है कि आपको मैं कहती हूँ विलन से भी मोहब्बत हो जाती है? बिल्कुल ऐसा ही है, खौफनाक विलन, इतने जीनियस, इतने बहादुर, और मैं डिसाइड नहीं कर पाती थी कि मुझे ज्यादा जबरदस्त नोयान लग रहे हैं या एरिस लग रहे हैं या सादुद्दीन कोपिक लग रहे हैं। अच्छा, नाम भी जरा मुश्किल है, सॉरी अगर मैं कहीं प्रोनाउंसिएशन आप शायद टची हो गए हैं बहुत ऐसी चीज़ों के लिए, तो मुझे एक्सक्यूज कर दीजिएगा अगर मैं थोड़े से नाम में, मेरा वैसी फैमिली प्रॉब्लम है, मैं नाम याद नहीं रहते, आप सोचें अब्बा से चल रहा है मसला, तो लेकिन स्टिल आई ट्राई टू रिमेंबर। लेकिन क्या कमाल विलन्स, डेफिनेटली मैं कहती हूँ तुम्हें चुने कैसे होंगे इतने जबरदस्त एक्टर्स और आप लोगों को चुना कैसे होगा जिन्होंने इतनी अच्छी डबिंग की इसके ऊपर? और मैं आपको बताऊँ ये सीरीज एज इट इज टेलीकास्ट नहीं की गई, इसमें पीटीवी ने खास खास सेंसरशिप के जो हैं उनकी कुछ पॉलिसीज थी उनका ख्याल रखा, बिकॉज ओरिजिनल सीरीज में कुछ बहुत ज़रा किस्म के कुछ क्या कहना चाहिए बट थोड़े से खौफनाक सीन इस तरह से थे, वो ऑब्वियसली एक्शन के जो किस तरह हमारे यहाँ तो बच्चे ने देखा है। जी हाँ बिल्कुल, तो वो बड़ी अच्छी बात है कि पीटीवी ने अपनी सेंसरशिप जो पॉलिसी है उसको भी बड़े केयरफुली मॉनिटर करके इन सारे एपिसोड्स को आप तक पेश किया ताकि एक भी कोई ना किसी को परेशानी ना हो। नशर किया गया, तो हैट्स ऑफ भाई, बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये जो कल से जो मक्खी मुझे तंग कर रही है ना मेरे शो पे, हाँ इसको भी कॉस्ट्यूम पहनाए। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं और बहुत मजे की बातें होंगी कैरेक्टर से, हम आपकी मुलाकात कराएंगे जी तुर्गत कैरेक्टर बमसी हलेना हफ्सा उनके जो जिन्होंने उनके लिए आवाज दी है उन कैरेक्टर से आपको मिलाएंगे, और अभी और भी सारे आपके जो पसंदीदा कैरेक्टर्स हैं आज मॉर्निंग एट होम पे मौजूद हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।
ईटीवी को क्रेडिट दिया जाता है कि इतनी कमाल हिस्टोरिकल सीरीज को पाकिस्तानियों तक ये लाए और उर्दू जबान में डब करके बहुत आसान बना दिया कि सबको समझ आए। और इवन जिन्होंने मैंने बताया टर्किश में इसको देखा, सब टाइटल्स में देखा, इंग्लिश डबिंग में देखा, उर्दू में देखना है इसको, सुनना इज अनदर एक्सपीरियंस, बहुत ज़बरदस्त। उनकी डबिंग आर्टिस्ट आज शो पर मौजूद है, उनसे बातें हो रही हैं और अब आपके जहन में इमेज लाइए तुर्गत एल्प का, जो कि शुरू से आखिर तक अर्तुरुल काजी के साथ रहते हैं, उनका राइट हैंड है, उनकी एक होता तलवार और ये उनकी कुल्हाड़ी है, और जब ये फिर किसी को अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं तो अल्लाह माफी, वो फिर सीन सेंसर होना बड़ा ही जरूरी है कि एक उसके झटके में कैसे वो जालिम की गर्दन जो है वो कर देते हैं। तो मिलिए इनकी आवाज से जो के हैं भाई, क्या बात है माशाल्लाह, मोहम्मद नईम साहब प्लीज जरा खड़े होके दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। ए वल्लाह वेरी इंप्रेसिव जी, कैसा लगता है आपको इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है जिसको आप जी रहे हैं आजकल एक साल से? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंप्रेसिव फील आ रही है, बहुत खूबसूरत लगता है। और बेसिकली काम तो हम कर ही रहे हैं, उससे उनसियत तो बढ़ ही रही है, काम सीख तो रहे हैं, लेकिन जिंदगी में बड़े इनकलाब आए, बड़ी चेंजेस आई, जहन बड़े अपग्रेड हुए और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। नहीं मैं आपको एक बात बताऊं जी, क्योंकि मैंने 500 एपिसोड देखे ओरिजिनल तुर्गत की आवाज़ में, आपकी आवाज़ ओरिजिनल तुर्गत से ज़्यादा अच्छी। अच्छा, ये उनको बताइएगा नहीं बेचारे कभी मिले हम टर्की में क्या तुमने मेरे बारे में बात की, लेकिन इट्स अ फैक्ट योर वॉइस इज सो नाइस। तो क्या मतलब आवाज बनाते हुए जब आपने कैरेक्टर को देखा तो अपनी आवाज में कुछ चेंजेस लेके आए जो सूट करे? नहीं, चेंजेस नहीं, आपकी बेसिकली वॉइस वही होती है, आपको एक्सप्रेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तुर्गुत की पर्सनैलिटी एक अलग पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी एक अलग पर्सनैलिटी है, और ये कि बड़ा वर्सटाइल कैरेक्टर है, कभी ये रोमांटिक पे है, कभी ये एग्रेसिव है, कभी ये जंग पर जा रहा है, कभी ग्लूमी है, बहुत इंटोनेशन है इसके अंदर। और कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है जिस तरीके से वो डायलॉग्स की डिलीवरी करता है। लेकिन कौन से इमोशंस में मुश्किल होती है आपको और जान लग जाती है ये आपको बताऊं? नईम भाई दिन में 7-8 घंटे डबिंग पे गुजारते हैं, महीने में कितने दिन तकरीबन आपके? एवरेजली 3-4 डेज, बट 7-8 आवर्स स्ट्रेट डबिंग होती है, इसमें ब्रेक भी होता है, लेकिन ये आवाज नहीं बैठ जाती, आवाज कभी कभी, लेकिन ठीक है। बट कौन से सीन्स मुश्किल होते हैं जिन आवाज? जी दो सीन्स बहुत मुश्किल होते हैं, एक तो रोने वाले, क्योंकि आपकी फील कुछ और है, आपकी फील कुछ और है, आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं, लेकिन रोना है। दूसरे उससे भी ज्यादा मुश्किल है वो चिल्लाने वाला, शाउटिंग वाले जो सीन्स होते हैं, और उसी इंटेंसिटी के साथ आपको चिल्लाना है, जिस पावर से वो चीखा है। सीन याद है जिसमें तुर्गत एल्प तो वैसे ठीक ठाक चीखते हैं, लेकिन जब वो चीखते हैं तो कैसे चीखते हैं? अब वो फिर वो माइक नहीं चाहिए मुझे, बताएं बहुत ही लाउड है, यहाँ तक आई है वेव्स जैसी, वाकई मतलब है भाई लड़के में बहुत दम है, बहुत दम है ना? नहीं वेरी नाइस। और इसमें थक जाते हैं क्या होता है पता है? लोग समझते हैं कि शायद इतना मुश्किल थोड़ी है डबिंग करना है, लेकिन जान जाते हैं। जिसका काम होता है ना, हमारा एक पैशन है, इससे मोहब्बत है, रोजगार, प्रोफेशन, सब कुछ यही है, तो इश्क है इस काम से। जब आप जाते हैं अंदर बूथ में रिकॉर्डिंग के लिए, खुर्रम जमशेद साहब की इंस्ट्रक्शंस मिलती है तो आप वैसे ही चार्ज हो जाते हैं, है ना? अच्छा, और ये अब क्या हुआ कि माशाल्लाह शादी भी हो गई आपकी, मतलब सीरीज में जी, तो अब वो जो रोमांटिक डायलॉग्स बोल रहे हैं तुर्गत, वो कैसा लग रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम? मुझे इतना लगा मैंने, क्योंकि शुरू में एक उनके साथ बेचारे के साथ ट्रेजेडी में कहती थी इसकी सही जगह शादी हो जाए ना मियां, मैंने इतनी दुआएं की तुर्गत के लिए, क्योंकि जो शुरू में हुआ ना वो बहुत बुरा होता, वेरी सैड। वो घूम फिर के किसी भी टेम्पो में चल रहा हो, चाहे वो एग्रेसिव है, लेकिन घूम के उसका होम पेज जो है ना वो रोमांसी है, रोमांटिक है, और वो शायरी भी कर रहा है। बड़े बड़े वॉरियर्स रोमांटिक भी होते थे, हाय हाय, और ये उसकी खूबसूरती है। हाँ। वो हर तरह की इंटोनेशन है उसके अंदर, हर तरह की है, गुस्से में भी है, चिल्ला भी रहा है, कई तरह की चीजें ऐसी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो जब आपकी डबिंग हो रही थी, जब तुर्गुत पे जुल्म हो रहा होता है और उनको बिल्कुल वो ना व्हील से घुमा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, वो कितना मुश्किल होगा उसमें उसकी डबिंग करना उन सीन्स की? वो मुश्किल इसलिए होता है कि आपके मुंह पे पानी फेंका जा रहा है। हाँ। तो अब आपको वही फील लाने की, आपका दम घुट रहा है। हाँ। और आपको पानी मुंह पे आपके पड़ रहा है और उसी इंटेंसिटी के साथ आपको होश में आ रहे हैं और गिर रहे हैं, चक्कर आ रहा है और चिल्ला भी रहे हैं, गम गुस्से की कैफियत है, तो ये इस लिहाज से मुश्किल था, लेकिन बहरहाल वो भी हो गया, खूबसूरती इसकी है। ये कैरेक्टर आपके ऊपर असर करता है कि जी जा रहे हैं रात को ख्वाब में आपको नजर आ रहे हैं आप, डू यू फील दैट अंदर आपके कैरेक्टर जो है वो
इतना रश बस गया है कि इनडायरेक्टली एंड इंटेंशनली आपको वही फील हो रहा होता है। अब ये कि करने में डायलॉग की डिलीवरी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, किसी पे गुस्सा आता है तो एकदम तो नहीं दिल चाहता मैं कुल्हाड़ी लूं। हाँ, ये फील कभी कभी आ रही है लेकिन उस वक्त कुल्हाड़ा पास नहीं होता क्योंकि हम एक्टर्स का तो ये कि हम पे वाकई जो कैरेक्टर्स है ना हम तारी कर लेते हैं अपने ऊपर। और मेरा बहुत ही और हम सबके बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर बम्सी द अमेजिंग कहते हैं, उसकी लॉयल्टी, उनकी दोस्ती, उनकी कॉमेडी और उनका उनकी मोहब्बत अनबिलीवेबल। और उनके उनका खाना, जंग से पहले भी जा रहे हैं खा रहे हैं, फाइट से पहले, फाइट के बाद भी खाना खाना, उनके लिए आई थिंक अर्तुरुल की दोस्ती के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनकी लाइफ में इस खाना तो जी बम्सी की जो आवाज दी मोहम्मद नासिर भाई ने, जी सलामकुम वेलकम है वल्ला पीटीवी नाज़रीन। हाय हाय, क्या कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जी नासिर भी कैसा कैसा लगता है आपको बम्सी कैरेक्टर? बहुत ही लोगों को प्यार है बम्सी से। बम्सी है एक बहुत प्यारा कैरेक्टर, बड़ा मासूम कैरेक्टर है, एक मासूम जंगजू है, बल्कि जो पहले एक सिर्फ जंगजू एक मासूम जंगजू था वो अब बिल्कुल चेंज हो रहा है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता रोमांस की तरफ आ रहा है। जी जी, जब एक मासूम जंगजू रोमांस करता है तो बिल्कुल ही अलग आ जाता है। हमने बहुत चीख लिया, बहुत जंगे लड़ ली, अब हम थोड़ा सा रोमांस की तरफ आ गए, है ना? तो कैसा लग रहा है उसकी वो बम्सी जो इतने कॉन्फिडेंट और लड़ने को तैयार एकदम, एक उसकी बॉडी लैंग्वेज ही उनकी फर्क है भाई। बम्सी बहुत चार्ज कैरेक्टर है, बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है, वो कभी शोखियां करेगा, कभी बड़के मार रहा होगा, कभी वो एकदम से चेंज हो जाएगा, बिल्कुल अग्रेसिव हो जाएगा, अचानक ही वो बचकानेपन पे आ जाता है बिल्कुल, तो इतना जल्दी स्विंग होता है वो। तो आपको मुश्किल नहीं लगता जब, क्योंकि कभी कभी उनकी जो आवाज है इसमें सबसे ज्यादा डायलॉग्स होते हैं जब बम्सी कहानी सुनाने लगते हैं, जब सारे दोस्त बैठते हैं तो बम्सी को अपनी कहानी सुनानी है जंगों की, जब फिर आपके कितने सफे के लाइंस होती है? बहुत लंबी लंबी होती है क्योंकि हमें काफी सारे हमें रेड बुल रखने पड़ते हैं साथ में, किसी तरह से गुजारा होता है हमारा, है ना? आई वाज थिंकिंग कि तो सबसे ज्यादा लाइंस ही इनकी कैसी याद की होंगी सबसे ज्यादा। और फिर बहुत शाउट होता है, बहुत चार्ज कैरेक्टर है ना वो। हाँ। बड़ा डिफरेंट है कि वो बिल्कुल हर चीज उसने एक्साइटेड होके कहनी है, और ये कोई भी लाइन खड़े होके नहीं बोलते, ये हिल रहे होते हैं। हाँ। तो आप जो कि डबिंग कर रहे होते हैं आप भी हिल हिल के बातें कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट, बताएं जरा थोड़ा सा। और खड़े होके डबिंग होती है बैठ के? अब बैठ के होती है। अच्छा, जरा थोड़ा सा मुझे इसमें उनके कुछ लाइंस, उनका लाउडली बोलना वो थोड़ा सा मुझे करके बताएं जरा कैसे होता है लाउड बोलना? जी वैसे ही उनके कुछ डायलॉग्स। जी ओके। नहीं, अभी तो आजकल मैं रोमांस कर रहा हूं तो रोमांस जरा बोल रहा था इसलिए वो रोमांस मुझे याद है। राहुल इस वक्त एक्शन भी चाहिए, रोमांस भी चाहिए और उनकी हंसी चाहिए क्लासिक। ये तो ऐसे ही वंस अगेन बम्सी की हंसी है बहुत डिफरेंट हंसी है, वो हमें भी हंसी आ रही थी जब हम बोल रहे थे उसको। हफ्सा भाई, भाई मैं हूँ हफ्सा, एक साथ बूढ़ा होना चाहते हैं भाई। एग्जैक्टली जब लोग इस तरह से बोल रहे होते हैं। और खाने वाला? खाने वाला वो तो फेवरेट है। वो तो मेरा भी फेवरेट है। जब उनको भूख लगती है कैसे बात करते हैं फिर? मुझे खाने को कोई सीन याद नहीं आ रहा है यार, कौन सा होना चाहिए सोच। और चले एक्शन का बताएं, फाइट पे यार उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बाकी लोग जरा सोच के रिएक्ट करते हैं, बम्सी डज नॉट थिंक। उनको जब गुस्सा आता है या उनको लगता है कि अर्तुरुल के साथ किसी ने जरा ऑफ ट्रैक बात की है तो फौरन रेडी होते हैं मारने। बहुत 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 वो तो एक सेकंड में हो जाता है, भाई भाई मुझे इजाजत दे मैं इसका सब काम कर दूंगा भाई। वो बिल्कुल एक लम्हे के अंदर वो स्विच हो जाएगा, वो बिल्कुल बड़ा मासूम से वो एकदम से इतना अग्रेसिव हो जाएगा विद इन अ सेकंड। अच्छा, और अब जब हफ्सा से रोमांस शुरू हो रहा है और हेलेना से वो बन गई हफ्सा, एंड व्हाट अ वाइफ भाई, बम्सी की मोहब्बत में खाना बनाना सीख रही है। अच्छा, मुझे लगा शायद ये इग्नोर कर देंगी क्योंकि ऐसी भाई वो तो इतनी रॉयल फैमिली की वो हैं, और मैंने कहा कि शायद नहीं, ये कहेंगे कि नहीं मैं तो नहीं शादी करनी, वो भी उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है, बाजार आते हैं उनसे मिलने, उनके आस पास मंडलाते हैं कि इनके दीदार हो जाए। और ये कैरेक्टर की आवाज दी है जी एमन जहरा ने। जी एमन वेलकम। सभी देखने वालों को बहुत सारे सलाम और प्यार के साथ, अस्सलाम वालेकुम। ओ तो जी, जब कैरेक्टर का पता चला जहरा कैसा लगा एमन? बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपकी एंट्री तब हुई है जब अर्तुरुल हैज बिकम अ हिट। इन्होंने ज्वाइन किया जब अर्तुरुल शुरू हुआ और अंदाजा नहीं था आपको कि हम किस हिस्टोरिकल एपिक सीरीज का पार्ट बने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट था ना जिस तरह और प्रोजेक्ट होते हैं, हमें नहीं पता था कि ये इतना आगे जाएगा और हम इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल, तो आपको जब पता चला तब तक ही ऑलरेडी इट हैड बिकम अ हिट? नो, बेसिकली मैं पहले भी थी। अच्छा, पहले भी थी? सीजन 1 में आई वाज डूइंग आई किस एंड नाउ आई वाज डूइंग दिस हेलेना हफ्सा खातून। अच्छा अच्छा, तो आप भी शुरू से हैं? ठीक है ठीक है, वेरी नाइस। और अच्छा, तो यानी आर्टिस्ट एक से ज्यादा कैरेक्टर्स की भी आवाज दे रहे हैं?
एग्जैक्टली अगर आप में वो पोटेंशियल है बेसिकली मैं इस चीज़ को क्योंकि मेरा म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, आई एम अ सिंगर, तो मैं इस चीज़ को सुर से, आप जब एक सुर को समझ जाते हो तो उसमें आपको वेरिएशन देना बड़ा आसान हो जाता है. यू नो द डिफरेंट टोन्स ऑफ योर ओन साउंड, सो यू कैन क्रिएट सो मैनी कैरेक्टर्स. तो इसलिए व्हेन आई वाज डूइंग आइकिस, दैट वाज वो आवाज़ मेरी थी बट थोड़े से एक्सप्रेशंस चेंज थे तो थोड़ी वो टोन वो अलग हो गई. अच्छा, आइकिस की आवाज़ और ये हफ्सा की आवाज़, ये थोड़ी सी जरा दोनों की जरा वेरिएशन बताएं, कैसे आपने उनका डायलॉग और इनका डायलॉग. एक हमारा रोमांटिक सीन है हफ्सा खातून का, वो हम साथ में कर सकते हैं. हफ्सा खातून हफ्सा खातून, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आप मेरे दिल में मुकीम हैं, आप मेरे दिल में बस गई हैं, आपकी मेरे दिल में मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा हुआ है. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस पहाड़ी भालू से शादी कर लें. मेरा मतलब है अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरी खातून बन जाए. आपकी खातून बनने के लिए बहुत खुशी होगी, मैं तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए. और आइकिस, आइकिस के डायलॉग ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन वेरिएशन तो क्या थी, मतलब ये आवाज़ अभी हमने सुनी तो इससे कितनी मुख्तलिफ थी आइकिस की आवाज़. ही थी कि आई गेस तुर्गुत बैठे हुए हैं सो ही कैन. हाँ हाँ बिल्कुल, आपका कोऑर्डिनेशन हो जाए बिल्कुल आ जाए डायलॉग. हाँ जी जंग में जो जा रहा था, जंग वाला डायलॉग बेसिकली इट वाज सीजन 1 सो वी ऑल. मैं सिर्फ जानना चाह रही हूं आवाज में डिफरेंस कितना, कोई सा भी आप कह दे तुर्गुत जल्दी वापस आ जाना. ठीक है ठीक है. तुर्गुत मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी वापस आ जाना. आप बिल्कुल फिक्र मत करें, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा. और ये इतनी सैड थी ना ये स्टोरी, इतनी तकलीफ हुई थी जब आइकिस नहीं रहती. वेरी वेरी सैड. अभी थोड़ी सी इसलिए भी थी कि आइकिस जो है वो इट सेल्विंग चिप वॉरियर भी थी, बहुत जबरदस्त, तो थोड़ा सा उस लिहाज से थोड़ा स्पेशल चेंज रहा था बेसिकली, क्योंकि वो आइकिस जो थी वो कबीले की थी और हफ्सा जो है वो बेसिकली जो रॉयल फैमिली की है, तो आइकिस थोड़ा सा तेज जो है ना उसकी टोन में थोड़ा सा तेजी वॉरियर वॉइस. और जो हफ्सा है वो बहुत ही मासूम कैरेक्टर. हाँ बहुत ज्यादा. क्या बात है जी, और भी किरदारों से हम बात करेंगे. मैं तो कहती हूँ इतनी सारी बातें हैं करने को कि आज कोई 8 घंटे की ट्रांसमिशन, लेकिन फिर अर्तुगरुल के जो है एपिसोड मिस हो जाएंगे और आप वो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि सबने फ्रेश एपिसोड भी देखने और रिपीट भी देखने हैं. ऐसा कुछ जादू और असर है इस सीरीज का. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. और आने वाले भी एपिसोड्स में इनके आप और कमाल देखेंगे. ब्रेक के बाद मिलिए और डबिंग आर्टिस्ट से ऑफ अर्तुगरुल गाजी सीरीज. कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और अर्तुगरुल गाजी की सीरीज में कुछ इतने प्यारे मैसेजेस हैं जो कि हमें ज़रूर जो है ना अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने चाहिए. एक तो ये कि ये इतने सख्त जान बहादुर सिपाही वॉरियर्स, दुश्मन पे कोई रहम नहीं, लेकिन जब घर आते हैं और अपनी औरतों को देखते हैं, अपनी माँ को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, तो एकदम मेल्ट होके जैसे इनसे कोई सॉफ्ट इंसान है ही नहीं. और इतनी प्यार और शफकत के साथ सबके साथ बात करना, कोई गुस्सा नहीं. और खाने की टेबल पे सब साथ बैठे हैं और माशाल्लाह जो बड़ा है उसने ब्रेड को ऐसे हमेशा जो है डिवाइड करके बीवी को, जैसे अर्तुगरुल हमेशा हलीमा को देते हैं ब्रेड या बच्चों को देते हैं खाना, पहले उनको सर्व करते, उनको देते थे फिर खुद खाते थे. ये मुझे इतनी प्यारी ये कस्टम लगी कि कितनी खूबसूरत बात है. और मर्द कितना ही सख्त जान क्यों ना हो, उसको अपने घर की औरतों के लिए बहुत नरम दिल होना चाहिए. और कितनी एकदम देखिए उनकी टोन यहाँ से यहाँ, क्योंकि सामने बेगम खड़ी है, इट्स ब्यूटीफुल. और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बाहर बिल्कुल मिन 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 घर आते हैं, शेर बन जाते हैं. तो अर्तुगरुल गाजी में बिल्कुल ऑपोजिट आपने शेरों को देखा है एकदम बदलते हुए
घर की औरतों के साथ और बच्चों के साथ। तो खाने का भी एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इतना हमने यहाँ डिस्प्ले भी किया हुआ है, कुछ उनका दस्तरखान को हमने इनैक्ट करने की कोशिश की है कि उनकी चीज़ें उनका, खैर वो इससे बड़ी बड़ी भी मेरे ख्याल हड्डियाँ कहना चाहिए, वो पूरी पूरी राने हैं जिसको इतने मज़े से सब खा रहे हैं, स्पाइस के बगैर खाना, और ख़ासतौर पर इनके कुछ शरबत, उनका ये ब्रेड का खाना एक मामूल सी बात, और जब खाने होते हैं और उसमें सब औरतें सब काम छोड़ के पूरा दिन लग जाती थी खाने में, ठगड़ा ठगड़ा ठगड़ा, तो वो मैंने कहा देखो इनका डिनर होता है तो कितनी मुसीबत होती है इनको कि पूरा दिन जो है ना इनको तैयारी करनी होती थी कि परफेक्ट फीस्ट हो। मिलते हैं जी हम खुर्रम भाई से, खुर्रम जमशेद के जे जो प्रोडक्शंस हैं जिन्होंने इसका सारी डबिंग का जो है इतना बड़ी जिम्मेदारी जो है बड़ी अच्छी तरह से निभाई है, और पीटीवी की जो सीरीज़ अर्तुरुल गाजी आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट एक साल से एक एपिसोड एक हफ्ता एक दिन नहीं हुआ कि इसकी रेटिंग कभी नीचे आई हो, लोगों ने कोई एपिसोड मिस किया हो, पार्टीज़ मिस हो जाती हैं, बहुत सारे इवेंट्स मिस हो जाएंगे, लेकिन एपिसोड देखना है चाहे रिपीट में क्यों ना हो। तो अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप नादिया? बहुत बड़ा चैलेंज आपके, और बहुत कारनामे हैं, लेकिन ये जो कारनामा है आपका और ये जो चैलेंज था बहुत डिफिकल्ट होगा। नहीं, शुक्र है अल्लाह का और तमाम पाकिस्तान टेलीविजन की टीम का, और जो नाज़रीन हैं जिन्होंने अर्तुरुल गाजी को इतनी रिस्पेक्ट और इतनी मोहब्बत से देखा, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पर मेरी टीम का कि जिन्होंने मेरा हर लम्हा साथ दिया, और पाकिस्तान टेलीविज़न की हेड क्वार्टर की टीम का कि जो एक हम आज तक एक पेज पे कनेक्ट हैं, और माशाल्लाह प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को डेली बेसिस पे हम एक स्टेप आगे ले जाने की बात करते हैं। इज ए लॉन्ग रन प्रोजेक्ट, 500 के करीब एपिसोड्स, बहुत मुश्किल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें आर्टिस्ट वगैरह की ये तो नहीं कभी कि कोई कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोविड का टाइम चल रहा है, तो आपको अवेलेबिलिटी के कुछ चैलेंजेस पेश नादिया? जी बिल्कुल, एक्चुअल जैसे ही हमारा ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान टेलीविजन ने हमें असाइन किया था, देन उसी टाइम कोविड का सीन ऑन हो गया था, और खासा शहर भी ब्लॉक हो गया था, और जो हमने प्रोजेक्ट को जिस तरीके से किया है, डेफिनेटली हमारे पास टाइम भी शॉर्ट था, और जो पहला हमारा सीन ऑन होना था वो रमज़ान के 30 डेज थे, तो वो रमज़ान के 30 डेज के साथ साथ वो टास्क, और नो डाउट कि हमारी टीम और इंक्लूडिंग पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम एंड जितने लोग हैं, फारूक हैदर एंड फारूक अफजल साहब एंड डीपी अकबर मलिक साहब और एमडी आमिर मंजूर सर जो हैं माशाल्लाह से, वो उन्होंने शुरू से जो है स्टार्ट से एक जो वेरी फर्स्ट डे मीटिंग की ब्रीफिंग थी उसके मुताबिक आज तक हम चलते आ रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए प्राइवेट प्रोडक्शन के ड्रामे रुक गए थे जी, जी, लेकिन माशाल्लाह अर्तुरुल गाजी जो है पीटीवी ने इसको रुकने नहीं दिया, एक एपिसोड भी नहीं रुकने दिया, माशाल्लाह चलता रहा है, हैट्स ऑफ माशाल्लाह, बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी, करने को आए ना तो लग पता जाए एक कमर्शियल की डबिंग कितनी मुश्किल होती है खुर्रम भाई, और यहाँ 500 एपिसोड्स की बात कर रहे हैं, फिर ये सिलेक्शन ऑफ आर्टिस्ट, आपने पाकिस्तान के हीरे चुने हैं भाई जी, बड़ी ये एक बड़ा मुश्किल अमल भी है, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रामा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, उस पर आपको बेइंतहा ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन अर्तुरुल गाजी की जब आप उनकी सिलेक्शन कर रहे होंगे तब कितना मुश्किल होगा? देखिए वो सिलेक्शन तो अपनी जगह पर है, आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिलेक्शंस में जिस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न, प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम था ये प्रोजेक्ट लाना, और मुझे फ़ख्र है अपनी टीम के साथ कि हम इस ड्रीम को प्राइम मिनिस्टर के आवाम की गिर्द पेश करके, अर्तुरुल गाजी बहुत पहले से आया था मार्केट में, बट उर्दू डब के बाद पूरी दुनिया में जो इसको रिस्पेक्ट मिली है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की एक उर्दू लैंग्वेज की शिनाख्त भी हुई, बड़े बड़े आलमी कॉन्फ्रेंसेस में इतना रैपो नहीं बनता, जो अर्तुरुल गाजी की वजह से जो है हम तमाम पाकिस्तान टेलीविज़न ऑलरेडी रेटिंग में हमेशा डिफरेंट, यानी सिल्वर जुबली 50-50 इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ट्रेंड सेटर्स हैं। आप बिकिन के खुर्रम भाई मैं बात करती हूँ, मैंने अपनी सारी जिंदगी कभी नहीं देखा हो कि किसी प्राइम मिनिस्टर को न्यूज के अलावा एंटरटेनमेंट के चैनल पे किसी प्रोग्राम में इंटरेस्ट हो, आपने कभी सुनी ये बात कि जी प्राइम मिनिस्टर ने इस प्रोग्राम के बारे में ऐसे ड्रामे चलाओ ऐसा हो? नो, उनको सिर्फ न्यूज़ में इंटरेस्ट होता है, लेकिन सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिन्होंने ये सीरीज देखी, उनको बहुत पसंद आई, एंड ही मेड श्योर कि ये पीटीवी पे चले और सब लोग इसको देखें। अब इसमें क्रिटिसिज्म भी हो सकता था, कुछ लोगों को हुए मसले क्यों भाई हमारे अपने ड्रामों में क्या बुराई है, क्यों आपने जो है टर्किश ड्रामा दिखाया, लेकिन नहीं, अच्छी चीज़
देखनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए। Exactly. तो लोग बाहर जाके पढ़ते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, बाहर की किताबें पढ़ते हैं, बाहर के आर्टिस्ट के काम देखते हैं, राइटर्स की किताबें पढ़ते हैं, तो व्हाई नॉट दिस, क्योंकि अच्छा ही इससे असर पड़ता है। तो माशाल्लाह, दिस वाज लाइक अ ड्रीम एंड इट एक्चुअली केम ट्रू। ये सारे एपिसोड्स बगैर किसी डिस्टर्बेंस के माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान ने देखे उर्दू लैंग्वेज में। हमने डिस्टर्बेंस शेयर ही नहीं किया ना, शेयर से मुराद ये कि जो कंटेंट हमने डेवलप करना था वो हम कर रहे थे, जो पाकिस्तान टेलीविजन की वेरी फर्स्ट डे से जो एक जिम्मेदारी थी वो अपने एंड पे रोल अदा कर रहे थे। आप ये देखें कि वीकली प्रोमोस का इस्टेब्लिश होना वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहा है, यानी हमारी इंटरनल वहाँ मेरी फ़ारूक अफजल के साथ, यानी ऊपर वाली जो टीम है वो तो अपनी एक चीज़ ब्रीफ करके हमें दे चुके हैं। वो नीचे सबा अतर जो हैं माशाल्लाह वो इतनी क्रिटिक हैं, जब जो सीज़न स्टार्ट होता है उस पर वो वॉइस कास्टिंग के अंदर हम इस तरीके से एक दूसरे से उलझते हैं और फ्रेंकली बिल्कुल अच्छा। हमें काम करने का मजा, मतलब डबिंग के आर्टिस्ट सिलेक्ट करते हैं भी ठीक ठाक मेहनत होती है भाई, ब्रेनस्टॉर्मिंग। वहां से सबा कहती है यार मुझे पसंद नहीं आ रहा, फारूक कहते हैं यार मुझे नहीं पसंद आ रहा है, अच्छा फिर मुझे कहीं कुछ मकसद वो भी दिया जाता है, स्पेस भी दिया जाता है कि यार अच्छा प्लीज इसको, अच्छा हम अपने तौर पर देखें। मुश्किल किस आकी हुई कैरेक्टर की, आर्टिस्ट की, कहते ना आवाज मिल ना रही हो, मिलनी भी चाहिए, देखें उसकी उनकी उनकी शक्ल, सादितीन कोपैक। अच्छा मुश्किल था, सादितीन कोपैक वाहिद आर्टिस्ट है जिसके हमने कोई 11 ऑडिशंस किए सादितीन कोपैक के, और फिर फाइनली हमने अपने एक आर्टिस्ट को कामरान नकवी ने मुझे एक रोज शाम को कि आज मैं इसको फाइनल करके उठूंगा, मैंने कहा यार बड़ा बोरिंग हो गया और टाइम बिल्कुल सर पे आ गया। अच्छा तो ये यहाँ कामरान नकवी भाई बैठे हुए भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे फिर आपको, बड़ी मुश्किल पेश आई, तो कैसे फिर आपने पसंद किया उनको और वो कैरेक्टर भी देखने वाले हैं जो प्ले कर रहे हैं सारे दिन? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया, पीटीवी का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारी इज्जत अफजाई दी। इसमें सबसे पहले तो जैसा कि खुर्रम भाई ने बताया कि 11 ऑडिशंस करके हम फेड अप हो गए थे कि यार हमें कमी क्या थी, क्या क्या चीज मिसिंग थी, उसमें कमी ये थी कि वो एक बहुत कनिंग टाइप का लेकिन सॉफ्ट, मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर, कि वो अपने एहसासात को एक्सप्लोर नहीं करता कि मैं नेगेटिव कोई काम कर रहा हूँ, वो पॉजिटिवली करके और जो है ना गेम से ज्यादा शूट कैरेक्टर कोई नहीं है, कोई शूट विलन इस पूरी सीरीज में नहीं है कि इनकी जो दिमाग की गेम्स होती है, बॉडी लैंग्वेज इतनी मुश्किल है कि जब उसका फेज आता था स्क्रीन के ऊपर ना, तो यार आवाज नहीं खपरी। और आप इनकी असली आवाज आपने सुनी होगी, क्या खूबसूरत है। देखिए असली आवाज, असल वो मसले के मैंने ओरिजिनल सुनी है तो मुझे वही होता था कि भाई डबिंग में आर्टिस्ट जो इंसाफ करे भाई इनकी आवाज के साथ। जी जी जी, अभी पहले आप ये बताइए कि मकसद माशाल्लाह आपने इतना लाइवली कॉस्ट्यूम पूरी हम उसमें, तो ये बताइए हाँ कि आपको डबिंग जो है, वैसे तो आपने बिफोर डबिंग भी देखा जी, और आफ्टर डबिंग जो है, तो आपको खुद क्या फील हुआ कि हमने आवाजों के साथ इंसान, मुझे मैं सच बताऊं मुझे ऐसे लगा कि, सच बता रही हूँ भाई प्लीज डोंट माइंड, मैं सच बोलूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे ये लगता है कि जैसे आप डबिंग की है पीटीवी ने इस सीरीज पे, इससे बेहतर नहीं हो सकता। अच्छा मैं सच पे डर गया कि नहीं, वो मेरा एक्सप्रेशन है। थैंक यू वेरी मच, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ये एक्सप्रेशन मैंने, ये आपको मैंने कंफ्यूज किया क्योंकि सादितीन कोपैक की बात हो रही है और वो भी चेहरे पे कुछ, दिल में कुछ, जबान पे कुछ, तो मैं भी कुछ ऐसे किया कि ये समझे कि ओहो बुराई कर रही है। नहीं मैं दिल से कह रही हूँ इससे बेहतर नहीं हो सकती थी, एंड आई नो कि कितना मुश्किल ये प्रोजेक्ट होगा। बेसिकली वो सादितीन कोपैक का जो आप पूछ रही थी ना, वो डिजाइन, वो डिजाइन वॉइस है आला। मैं चूंकि म्यूजिशियन भी हूँ, मैं अरेंजर भी हूँ, तो मुझे डिजाइन वॉइस करने में ना बड़ा मजा आता है, मैं बड़ा चैलेंज लेता हूँ। डिजाइन ये होता है कि ओरिजिनल वॉइस नहीं होती कैरेक्टर, जो आर्टिस्ट बोल रहा है उसकी ओरिजिनल वॉइस नहीं है, उससे हम अपने कैरेक्टर के हिसाब से उसको बुलवाते हैं, फिर उसके ऊपर पिच शिफ्ट होती है, उसके ऊपर ईक्यू, उसके फ्रिक्वेंसीज छेड़ी जाती हैं, उसके हिसाब से फिर वो उसका एक टोन। बताएं कामरान भाई, अगर मैं अपनी सिफारिश करूं तो आप मुझे किस कैरेक्टर की आवाज के लिए लेंगे? आपको हायमा खानम के लिए, हम किसके लिए? हायमा खानम, मापेरी खातून, अभी जो करंट आ रही है। अच्छा जो अब आ रही सुल्तान की है ना, मापरी, हाँ मापरी के लिए। अच्छा मापरी के लिए आप देखें, एक वो होता है। अच्छा मजे की बात है कि हम, अगर हमें मजीद आवाजें मिल जाएं
पाकिस्तान अल्लाह करे इंडस्ट्री हमारे बड़े मकसद हमारे पेजेस के ऊपर 5 आर्टिस्ट तो आपको मेरे घर में सिर्फ मिलेंगे। आर्टिस्ट जो है ना वॉइस ओवर भरे हैं, वो 8 से 9 घंटे बैठने के लिए टेम्परमेंट बैठेंगे हम बैठेंगे ऐसी सीरीज की आवाज देने के लिए। मैं खड़े खड़े भी 8 घंटे जो आवाज अपनी दे सकती हूँ, लेकिन आपसे थोड़ी सी गलती हुई, मैं एक्चुअली मेल आवाज देना चाहती हूँ। Okay. मैंने ज्यादातर ड्रामे ना वो किए मेल कैरेक्टर नोयान पे। हम आपका आप मुझसे भाई नोयान की आवाज आप अगर असली नोयान की मुझे लगता है माय पर्सनल एक्सपीरियंस के पूरी सीरीज में अगर किसी की सबसे मुनफरिद और जबरदस्त आवाज थी वाज नोयान। जी हाँ, हमारे अज्जू भाई इज अ वेरी टैलेंटेड रेडियो हेड, अनबिलीवेबल। नहीं ओरिजिनली भी ओरिजिनली जो नोयान की आवाज है कि वो आप वो आवाज का ही कमाल है उस कैरेक्टर की आवाज, उसकी 90% जो दहशत है उसकी आवाज है। बिल्कुल उसके लिए मैं अपनी चलो बात बाद में करूंगी, लेकिन उसका कितना मुश्किल था उनके डबिंग आर्टिस्ट उसके लिए भी हमने काफी सारे ऑडिशंस किए और फिर आखिरकार हमने एक हमारे अज्जू भाई एक आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छा अज्जू, हाँ वो मशहूर है अजनबी नाम है उनका, तो उनकी सिलेक्शन हुई, उनकी वॉइस फिर हमने पीटी से शेयर की तो उसको फिर सिलेक्ट किया गया और वाकई उन्होंने उसको निभाया बहुत अच्छा। भी बिलीव करें कि ये ड्राइव पे ना गाड़ी साइड पे लगा कर ना एक एक घंटा जो है ना सबा एंड एक्स वाई जी और फला कि यार नोयान नोयान अच्छा नोयान बिल्कुल। अब वो अब कि जिसने असली वो सुन ली ना आवाज वो हाँ। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके करीब पहुंचना। आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि मैंने टर्किश में ही ये देखा। बिलीव मी कि हम जब भी कोई आवाज भेजते हैं ना तो उसके अंदर अगर कोई सेकेंडरी मैटर कोई ऐसा होता है सिलेक्शन का कि जैसे आप नोयान की आवाज़ आपने बड़ी अच्छी आप उससे बड़ा अच्छा कनेक्ट हुई नहीं है। ऐसा वैसा हाँ कनेक्ट होना ही है। अगर मैं आपको बताऊँ मुझे तो बहुत ही पसंद आया नोयान। और नोयान सबसे इसमें वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस विलन्स एंड मोस्ट हैंडसम आल्सो हैंडसम एग्जैक्टली। ऐसे उनकी पर्सनैलिटी उस बंदे की लुक अनबिलीवेबल। यस बहुत जबरदस्त एक्टर हैं और उनकी आवाज का फिर जारी बात है जितना जबरदस्त कैरेक्टर है उतनी फिर जबरदस्त आपको। और एंगिन अल्तान जो है वो उसका ये कहना है कि मैंने नोयान जो कैरेक्टर कर रहे हैं उनसे एक्टिंग सीखी है। उनसे एक्टिंग सीखता है वो बात सही सीखनी भी ये उसके अल्फाज हैं एंगिन अल्तान के। क्योंकि आर्टिस्ट जो है कुछ आर्टिस्ट बड़े मशहूर हैं जो दुनिया के वो अपनी अपीयरेंस से ज्यादा अपनी आवाज से। शॉन कॉनरी की हम बात करते हैं आवाज कि वो एक्टर्स हैं अपनी आवाज से मशहूर हुए हैं। अब मसला ये है कितना एक आपके लिए चैलेंज हो जाता है कि आवाज ही तो हमने रिक्रिएट करनी है। बिल्कुल ऐसे कैरेक्टर तो वही है, आवाज हमने उस टक्कर की लेके आनी है कि कैरेक्टर में जान रहे। अच्छा सॉरी मैं आप माइंड ना कीजिएगा मैं बताऊं जासिम भाई आपका भी कैरेक्टर कमाल है। अरिस जो हैं जो कि आजकल छाए हुए हैं सीरीज पे और सबको बड़े पसंद आ रहे हैं, बेचारे की आंख कभी कुंदूज ने जो हाल किया ब्यूटीफुल। पूरी अर्तुरुल की फैमिली जो है ना कहीं से ना चोट पहुंचा रहे ना अरिस को, बच्चे को किडनैप किया तो उसने आंख फाड़ दी इसकी, तो दर्द उसको वहां होता था हाँ। लेकिन जो चीखें मेरी यहाँ निकलती थी हाँ। तो मैं यही दुआ करता था कि यार इसको तकलीफ ना हो, क्योंकि जब इसको तकलीफ होती थी तो मुझे चीखना पड़ता था और वो चीखना जो है ना वो ऐसा होता था कि मतलब मैं कहता था इसको किसी तरीके से निकालो, ये जो है ना सीन ख़त्म हो किसी तरीके से। और इतना पिटा है ये कि हर बार मतलब ये चीख रहा है ना बोलने पे, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका वेरिएशन का क्या कितना बड़ा गेम था इसका पूरा ना ऊपर नीचे काफ़ी ना कभी ये बहुत नीचे बोल रहा है, कभी ना ये अचानक हंस रहा है, कभी ना ये अचानक बहुत ऊपर बोल रहा है। और सबसे बड़ा इसका जो था वो ये था कि ये थोड़ा ना एबनॉर्मल टाइप का है, मतलब ऐसे तो ना कहें ये था तभी मुझे मजा भी आया। अच्छा। परफॉर्मेंस मार्जिन मिलता था आपको तो कहां एरिस का लगा कि ये एबनॉर्मल है किस बात मुझे से? शुरू के फ्रेम से ही पता चल गया था एबनॉर्मल है और जबरदस्त वॉरियर है, बहुत शातिर दिमाग वाला साइको 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 तो है वो। साइको जसीम की सबसे अच्छी बात मैं ये बताऊं कि ये अगर 4 घंटे कंटिन्यू रिकॉर्डिंग कर रहे तो ये खड़े होकर करता है, कहता है यार मुझसे परफॉर्मेंस नहीं होगी मैं खड़े होकर। तो अच्छा मैं भी अगर हूँ ना मैं भी आपको ऐसी डेडिकेशन से मिलूंगी। मुझे भी लगता है कि बमसी वगैरह जब उन्होंने बताया बैठ के की डबिंग, मैंने कहा हाउ इज दैट पॉसिबल, बमसी तो मतलब हिले बगैर रह नहीं। कुछ कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें आर्टिस्ट को खड़ा होना पड़ता है और वो अच्छी बात है और डबिंग होती भी स्टैंड अप में है ना। एग्जैक्टली तो ये आपने बकायदा लेकिन 7-8 घंटे हम कह तो रहे हैं आसान नहीं है। और फिर मैं ऐसा होता था रात की पूरी शिफ्ट में जाग के मैं कहीं पे जॉब करके आता था डबिंग पे, तो वहाँ पे जब मैं आता था ना डब करने के लिए तो पहला प्रेशर होता था कि उर्दू बहुत है
मतलब जिंदगी में आज तक इतनी उर्दू कभी सुनी नहीं ना मैंने जितनी मुझे बोलनी, अगर इतनी मुझे उर्दू समझ आती तो मैं, क्योंकि ये भी चैलेंज था पीटीवी की प्रोडक्शन है तो उर्दू भी बिल्कुल एकदम सही होनी चाहिए, और ये किसी और चैनल में नहीं आपको मिलता, ये सिर्फ यहाँ पीटीवी में इतना खास इस बात का ख्याल रखा गया। ये मेरी देखो बाल, सॉरी मेरी मुझे अपने टोपी जो है ना सेट नहीं हो रही मेरी। अच्छा आप बताएं फिर उसके बाद वो चीखों वाला जरूर बताएं जहाँ से वो जो आपके सीन थे जब बच्चा आंख निकालता है। जी जी जी, जो उसने जब भेंट किया था ना स्टोन इनके अर्तुरुल के बेटे ने, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ना शेरोज़ हैं जो रिकॉर्ड करते हैं हमें ना मुझे, तो उन्होंने कहा अब चीखना है, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा ना कि जितना शिद्दत लग सके ना चीखो। रमज़ान चल रहे थे, रोज़ा था, तो रोज़ा मैं छोड़ता नहीं हूँ, तो जब इसकी आँख पे पत्थर लगा है और मेरे चीखने का सीन आया है तो मैं उस शिद्दत से चीख ही नहीं पा रहा। अब मैं कितनी ज़ोर से चीखूँ, मुझे डर भी है कि यार दिन का टाइम चल रहा है, 7 बजे तक रिकॉर्डिंग चलेगी, रोज़ा तो टूटेगा। तो वो कह रहा है अभी ना चीखो तुम, तो जब मैं चीखना शुरू करता था तो मुझे याद है ये जो है ना पूरा गला मुझे फील होता था लिटरली कि ये अल्लाह ताला ही है जो हिम्मत दे रहा है, वरना रोज़ा तो फारिग है। तो वहाँ उनकी आँख फट रही है, आपका गला फट रहा होता। जी बिल्कुल, मैं यही दुआ करता था कि यार इसको तकलीफ ना हो, इसे कोई ना मारे, ये पिटेगा ना तो दर्द आपको दर्द मुझे होगा। दूसरे सेशन में चेंज करवा कर जैसे वाओ स्मार्ट इज दैट, सही बात है। और ये कि बेचारों को इतना दुख मिले ना एरिस को, मतलब वो खातून ने भी डिच कर दिया, बच्चा भी निकल गया, इतने अच्छे वो बंदे प्लान बनाता है ना, इतने कमांडर के उसके प्लान्स हैं, लेकिन हर प्लान फेल हो जाता है, हर प्लान फेल है और जलसे है ना इनके। अच्छा इनकी एक मैं बात बताता हूँ, मैंने इस टीम के साथ एक करेक्टर पहले भी किया है, तो वो एक एक जुमला दो दो जुमले में हो जाता था। ये बात करता है थोड़ा ना लिप्स को दबा के, और इसमें ये बोलता चला जाता है, पेस बहुत डायलॉग्स ज़्यादा हैं इसके, कोई पॉज कोई गैप आता ही नहीं है ना। सही बात, फास्ट बोलता है। तो एट द सेम टाइम याद भी करना है जो कि वहाँ से मैं सुन रहा हूँ, जो कि मुझे डब करना है, और कंटिन्यूसली जो है ना मुझे पूरा पैराग्राफ बोलना है विदाउट एनी रीटेक, वो भी उर्दू में बोलना। ये सही बात है जानसन, ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, बाकी इसके पॉज ही नहीं है इस कैरेक्टर की डायलॉग में, पॉज नहीं है, कुछ बोल के बताएं इनके गुस्से वाले डायलॉग, गुस्से में ही होते हैं। अर्तुरुल जब मारिया को देखते हैं बस मूड अच्छा होता है, वरना तो वो वाकई में ना वही सॉफ्ट होता था वो, और हम भी सॉफ्ट हो जाते थे। शुक्र है मारिया, शुक्र है मारिया आई भाई। तो थोड़ा कुछ जरा मजेदार कुछ डायलॉग बताएं जान वाली, जान वाली। अर्तुरुल हमें कभी शिकस्त नहीं दे पाएगा, तो ये ना एक नॉर्मल हो गया ना। अब ये जिस तरह बुलवाते हैं, अब मैं कामरान भाई का स्टाइल बताता हूँ, यार तुम ना सुर में नहीं बोल रहे हो। अच्छा हम दोनों ही म्यूजिशियंस हैं तो क्लियर बोलो। अब मैं आपको बोल के दिखाता हूँ, अर्तुरुल हमें कभी शिकस्त नहीं दे पाएगा, आपको सुनने में क्लियर लग रहा होगा। ठीक है बिल्कुल सही, ओके बताएं क्लियर था ये? नहीं असल में होता ही है कि हमें एक टेम्पो बनाना होता है और सुरों का बहुत ज्यादा, तो ये इसमें सही सुर जरा लगाएं जिसमें ये खुश हो जाए। अर्तुरुल हमें कभी शिकस्त नहीं दे पाएगा, अर्तुरुल हमें कभी शिकस्त नहीं दे पाएगा, जासिम सही करके बताएं, अर्तुरुल हमें कभी शिकस्त नहीं दे पाएगा, कभी शिकस्त नहीं दे पाएगा, नहीं कभी शिकस्त नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। वो जो नहीं का एम्फसाइज है ना वो उसकी पावर है। आप तो गजल की तरह चल रहे हैं लेके इसको। गजल ऐसी है, डायलॉग सही है। गजल फोक एक सुर से आपके डायलॉग का जो है ना ऐसे तो गानों के साथ होता है कि उनकी कंपोजिशन और गाने जब गाते हैं तब होता है। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। गजल प्रोग्राम चल रहा है अर्तुरुल, म्यूजिशियंस को डबिंग के अंदर अगर नोटेशंस, आपके ये म्यूजिशियंस भी हैं साथ और सिंगर्स हैं कि वो क्योंकि समझ सकते हैं, ये तो इत्तेफाकियां है ना। अब जो नहीं है तो उनके साथ नोटेशंस के जो मसाइल हैं, सुरों के जो मसाइल हैं, डायलॉग सुरीला नहीं आता, हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं डायलॉग जो है सुरीला नहीं है, क्योंकि कायनात अल्लाह ताला ने टेम्पो और सुर के अंदर ही रिदम के अंदर ही तो पूरा डिजाइन किया। पूरम भाई मैं आपको एनवेलोप देना था, उसमें मेरा सीवी है, छोटे मोटे काम मैंने भी किए हैं, प्लीज सीजन 5 में मुझे विलन खेल लीजिएगा, लेडीज कैरेक्टर आई डोंट लाइक। आप पीटीवी से अप्रूवल ले लीजिए, नोयान जो दोबारा आ रहा है तो वो नोयान हम आपसे सीजन 5 में नहीं, वो अब तो आवाज उसकी एस्टेब्लिश हो गई। अभी सीजन 5 में जिन खातून की आप बात कर रहे हैं उनके एक भाई हैं, और वो बहुत खौफनाक कैरेक्टर हैं, ठीक है, और बड़ा सस्पेंस, अभी मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन वो अंडरकवर भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, मतलब वो कैरेक्टर आई वुड लाइक टू प्ले दैट, बट मुझे मर्दाना आवाज निकालनी है। बट आप जिस टाइम अगर देंगी हमें तो हम टाइम ही टाइम है, आप इस गेटअप पे ना जाएं,
मैं आई हैव अ वेरी मेल वॉइस, मैं चाहूँ तो बिल्कुल, मैंने ड्रामे किए सर कॉलेज में, मैं हमेशा जो लड़की होती है उसका अब्बा या भाई बनती थी, मुझे कभी फीमेल कैरेक्टर नहीं मिला ड्रामों में। तो आप लाइव ही कोई डेमो दे देना। जी जी डेमो बिल्कुल, मेरे पास किट्स मौजूद हैं, मैं जो कॉलेज में किए हैं वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी, लेकिन मैं जरूर, इट विल बी एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और डबिंग कुछ शौक रह गया मेरी जिंदगी में सर, एक डबिंग उसका एक है या चने चने कोई छोटा कैरेक्टर दे दे, मैं उस पर खुश हो जाऊंगी। तो जासिम मैम आपसे मूवीज करवाएंगे। मूवीज बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा जी, राइटर्स मूवी के लिए मैं और एक्साइटेड होगी, लेकिन अर्तुल गाजी इज द अल्टीमेट प्रोजेक्ट फॉर मी। पहले इसमें विलन कर लूँ फिर सर फिल्म करूंगी, आपका स्टाइल भी मुझे समझ आ जाएगा। अच्छा जी, सईदा मरियम रिजवी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैम दो दो राइटर्स होना लड़ाई तो नहीं होती थी? खत्म नहीं, बल्कि होता यह है कि हमारा जब कभी कोई एक स्पेल आता है एक राइटर के पास, एंड इफ इट्स द फर्स्ट कैरेक्टर वी इंट्रोड्यूस्ड इन दैट स्पेल, तो हम दोनों आपस में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात नादिया हमारी केजे प्रोडक्शन और एंटायर टीम की ये है कि चाहे कामरान हो, कुलम भाई हो, या बाकी हमारे जितने लोग हैं टीम के, हम सब आपस में बड़े कंसेंसस के साथ चलते हैं कि जहाँ किसी को कोई लूप होल नज़र आता है, कोई परेशानी, तो वो ज़रूर डिस्कस करते हैं। किन चीज़ों का ख्याल रखा गया लिखते वक्त कि जी ये ऐसे होना चाहिए? ऑन यू नो लाइक द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वॉज कि हर कैरेक्टर का अपना एक ऑरा है, उसकी अपनी एक फील है, और वो उसी लिहाज से ख़ासतौर से उर्दू में आपको अल्फाज वैसे ही मुरतब करना पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप उन अल्फाज का वज़न ना सामने रखें तो यकीन बहुत सारे मसले मसाइल खड़े होते हैं, ज़्यादातर इनको पैक हैं। अब वो एक बड़ा शायराना मिजाज का हलीम उत्तबा और बड़ी नाइस, बड़ी नफीस पर्सनालिटी है, लेकिन यू नो यू आर राइट, वो ऐसे कैरेक्टर है कि जिस पे दिल आ गया तो फिर वो जिंदा नहीं बच सकता अगर ना हुई। यानी अब वो असलिहान के साथ जब उनका अफेयर चलता है, जो किया है ना असलिहान ने, जो उसके साथ किया उसके बाद तो फिर चराग़ों में रोशनी नहीं। फेवरेट कैरेक्टर असलिहान, क्या डेयरिंग औरतें, जितनी फेमिनिन है उतनी ब्रेव। और आप मतलब देखिए उनकी निस्वानियत वहीं वैसे की वैसे ही खूबसूरत, बेहद निस्वानी और बड़ी लेडी लाइक, और साथ ही उनके फिर जब तलवार की तलवार चला रही है, माँ भी तलवार चला रही है, क्या अंदाज़ी देखी तो कमाल की। और उस पर ये बातें बहुत पेश नज़र होती हैं कि आपको हर कैरेक्टर के हिसाब से उर्दू के उन्हीं अल्फाज का वैसे ही चुनाव करके वैसे ही कुछ लफ्ज आपने ऐड किए किसी कैरेक्टर के लिए जो कि ओरिजिनली ना हो सीरीज में? अल्फाज का जहाँ तक ताल्लुक है तो देखा जाए तो उर्दू तो पूरी तवातुर से जैसे आला हम सुनते हैं बार बार के सादत, क्या नाम था, सादत कोपेक, सादत ये मुझे मुश्किल लगता है नाम, तो वो कोपेक साहब के ऊपर जो हुआ वो था ओरिजिनली आला उसमें है या आला है? आला है, असल में टर्किश और उर्दू में ना इतनी मुमासलत है नादिया कि आप बसा औकात तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल आपने सुना है वो हमारी ही जबान है। जैसे सादत कोपेक का भी इनका ये इतना चकना थुब 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 थुब, तो एक ये और एक और कौन सा खातिल, खातिल बहुत जबरदस्त नहीं? और आप उनका माशाल्लाह सुने? हाँ। वो कभी माशाल्लाह नहीं, आई माशाल्लाह, वो बड़ी लगता है अंदर से निकल के आया है माशाल्लाह, दिल से कह रहे हैं। और साथ उनके जो बाकी अल्फाज आई वल्ला तो बड़ा कॉमन हो चुका है, ये सब हर कोई सीने पे हाथ रखे। आपने जब देखा, आपने शुरू में ही देखा, आई एम श्योर सारे एपिसोड्स देखे होंगे पहले, तो आपने डबिंग के साथ मत देखे, सबटाइटल्स के साथ देखे, आपने कैसे? वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई गॉट दिस प्रोजेक्ट तो वो उस वक्त ये था कि बिल्कुल शुरुआत ही थी, हमने पहले माई सिस्टर जस्ट लाइक योर्स उन्होंने देखा था, और जब वो ही सामने के हमने तो देखा भाई और ये और वो, बिल्कुल यही हाल था। 300-400 एपिसोड जो हैं वो दिन और रात देखे गए, और 15-15 एपिसोड एक दिन में ख़त्म। और जब ये सब टाइटल्स के साथ आए तो खुरम भाई इज़ एब्सोल्युटली राइट, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, जो खुद 5-7 सालों में खुद टर्किश मीडिया पे भी इतने हिट्स नहीं आए। लेकिन आपके पास जो मटेरियल आया, जो आपने तैयारी की, जो आप देखती थी, वो आपने डबिंग देखी, उसके सबटाइटल्स देखा, आपने कैसे तैयारी की? हमारे पास ट्रांसलेशन इंग्लिश, ट्रांसलेशन आती है, अच्छा फुल इंग्लिश में आती है, इंग्लिश से आप उर्दू में करते हैं। और क्योंकि हम क्योंकि दोनों चीजें सुन रहे होते हैं कि हमें टर्किश को भी जो उसके ओरिजिनल वीडियोस हैं हम उसे भी फॉलो करते हैं, ना कि क्योंकि ये ना हो कि आपके डिस्क्रिप्शन ज्यादा हो जाए, जुमला खत्म हो जाए 2 सेकंड में और आप लंबी लाइन लिख दें। देखिए ट्रांसलेशन जब आती है तो अक्सर ऐसा होता है कि जो उसका कहा हुआ है वहां पे स्पेसिंग अलग होती है, पॉजेज अलग होते हैं, और हमारे पास ट्रांसलेशन में जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, तो हमें उन दोनों को लेकर चलना पड़ता है और इनसिंक करना पड़ता है ताकि यू नो प्रॉपरली उसका। इतनी सारी बातें, इतना एंजॉय करें, और आपको भी आज वो वाली बातें पता चलेंगी जो शायद आपको पहले ना मालूम हो। और ब्रेक के बाद मिलिएगा जी सीरीज़ के मेन कैरेक्टर से, जिन्होंने अर्तुल की आवाज़ दी है, हाइमा हातून की, हलीमा की,
तो गुंदूज की अमेजिंग, अभी इन सब कैरेक्टर से मिलिएगा, साथ ही इनको पिक की जिन्होंने आवाज़ दी है बहुत कमाल, इन सब ने काम किया है, इनसे भी मिलेंगे आफ्टर द ब्रेक. की वॉचिंग गुड मॉर्निंग. कैरेक्टर से अब मिलिए अर्तुल गाजी के, जो कि हर सीजन में आपने उनको देखा, ऑलमोस्ट हर एपिसोड में आपने उनको देखा. ये भी हमारे हार्ट थ्रॉब्स हैं, इनकी आवाज़ जो है हर घर में सुनी जाती है. शायद आपने इनको सामने से ना देखा हो. आज हम इस मिस्ट्री के ऊपर से पर्दा उठाते हैं और आपको मिलाते हैं अर्तुल गाजी के जो कैरेक्टर सीरीज़ में जिन्होंने आवाज़ दी, एक्चुअली अर्तुल कैरेक्टर की, हाइमा हातून की, हलीमा की, गुंदोज की और सादतिन कोपिक की. और शुरू करते हैं हम द हीरो से. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप एहतशामुल हक भाई? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अच्छा आवाज लग रहा है दुबारा, वही दुबारा? वही है. वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आई वाला वाला नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछा कि मैं लग रहा हूँ, क्योंकि जिससे बात करो कहते हैं आप बोल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं बता दूं कि मैं लग रहा हूं या नहीं लग रहा. कैसे लाइफ चेंज हुई आपकी अर्तुल गाजी बनने के बाद? मसरूफियत ज्यादा हो गई है और शोहरत ज्यादा हो गई है, मोहब्बत ज्यादा हो गई है, सबसे इंपॉर्टेंट ये. उस पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए. क्योंकि डबिंग आर्टिस्ट को लोग पहचानते नहीं, आवाज को पहचानते हैं, बाय फेस नहीं पहचानते. देखें हर हर फील्ड की ना अपनी कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराई भी. लेकिन जब आप अपनी बात करते हैं, मैं अभी आगे सवाल देखिए, आपने जब किसी से बात करते हैं तो क्या फौरन पहचान लेते हैं? मैं एक से दो बार ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने ये नहीं पहचाना कि आप अर्तुल बोल रहे हैं. उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है मैंने आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनी है कहीं, तो उस वक्त लगता है हमें कि हाँ ठीक है कोई पहचान रहा है. वरना जाहिर है आपको पता है लोग जो है वो आवाज़ पे जब सामने आप आ जाए तो इतना. एहतसाम भाई, आपको मतलब माशाल्लाह वैसे भी आपका बड़ा सक्सेसफुल करियर है एज रेडियो प्रोड्यूसर ऑल्सो, और चैनल्स के साथ भी आप उनसे लिख रहे हैं. जब आपको पता चला कि मैं इतने बड़ा कैरेक्टर की डबिंग करने वाला हूँ, इतने सारे एपिसोड्स, मतलब उस वक्त आपको अंदाजा था ये कितना ये फेमस हो जाएगा? था इतना नहीं था. और जब मुझे खुर्रम जमशेद ने कॉल करके कहा कि एक ऑडिशन है, और ये नहीं कहा कि लीड बोलना है या क्या है, आ जाओ इस तरह से ड्रामा है उसका ऑडिशन है, तो मैं चला गया. अच्छा पहले ऑडिशन हुआ था? जी ऑडिशन, जाहिर है. तो उन्होंने जब मुझे कैरेक्टर दिखाया, मैंने कहा ये तो लीड है शायद. उन्होंने कहा हाँ हाँ लीड है. मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने बड़े तरीके से उसको बोला. लेकिन जाहिर है उसको बनाने में, सारी चीजें करने में पूरी टीम का हाथ था. कामरान ने बड़े अच्छा शुरू में ब्रीफ किया, खुर्रम भाई ने किया, फिर वो ऑडिशन पीटीवी गए और पीटीवी ने. कि मेन लीडर, डबिंग आर्टिस्ट को भी बड़ी खुशी होती है कि मेन लीड ऑफ भाई लाइन. खुशी होती है, लेकिन जब आप काम करते हैं ना 8-9 घंटे बैठ के और वो कैरेक्टर बोलता रहता है, तो मैं अक्सर बाहर निकलो मैं कहता हूँ यार इसको चुप करवा दो, तो ये लोग कहते हैं बहुत शौक था ना लीड बोलने का, तो बोलो अब. तो ये तो है, जाहिर है लीड है तो बोलना पड़ेगा. आपने और भी डबिंग का काम किया, ये कैरेक्टर कितना मुश्किल था प्ले करना? ये कैरेक्टर इसलिए ज्यादा मुश्किल हो गया कि इसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो गई. आम हालात में तारीखी ड्रामा वैसे मुश्किल हो जाता है कि आप कोई भी बात, कोई लफ्ज़ ऐसा कह दें जो उस हिस्ट्री से मैच नहीं करता, या उन चीज़ों से मैच नहीं करता, या उस कल्चर से मैच नहीं करता, तो वो आपको और मुश्किल हो जाती है. नॉर्मल डबिंग में आप बोल जाते हैं कुछ इंग्लिश के जुमले, अंग्रेजी के, उर्दू की भी, तलफ्फुज में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते. यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल यूँ हो जाती है कि फिर लोग फॉलो इतना कर रहे हैं कि वो फ़ौरन सी चीज़ पकड़ी जाती है, और उसमें जाहिर है कि फिर पीटीवी की टीम भी हमारी माशाल्लाह ऐसी है कि वो भी कुछ जाने नहीं देते. वो भी एक एक चीज हमें बहुत बाज़ औक़ात इतना चेक कर रहे हैं ऐसा. मुझे अपनी उर्दू पे माशाल्लाह ये है कि बहुत अच्छी है, तो जब वो गलती आती है तो मैं कहता हूँ हैं, तो जब चेक करते हैं तो वाकई वो गलती होती है. क्या गलती हुई आपसे अनजाने में? नहीं तलफ्फुज की बात कर रहा हूँ, अनजाने में जो गलतियाँ हुई हैं उसको ऑनेस्टली इस तरह थोड़ी बताते हैं. यहाँ तो शऊरी गलतियाँ बताई जा सकती, लेकिन एक साल से आप ये कैरेक्टर को जी रहे हैं, तो क्या ये आपके अपने ऊपर भी तारीफ हो गया? हमने देखा था तो मुझे लगता था कि मैं कुछ मेरे ऊपर वाकई तारीफ होगी ये सीरीज. आई वाज अफेक्टेड हो गया है. और मैं ये बताऊं कि मेरी तबीयत नॉर्मली भी ऐसे ही है, मतलब मैं प्रिंसिपल्स पे रहने वाला आदमी हूँ, अल्लाह पे बहुत ज़्यादा भरोसा अल्हम्दुलिल्लाह करने वाला. तो लेकिन ये करने के बाद ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, तबीयत में आ गई हैं, और वो लाशौरी तौर पर आई हैं. ये नहीं कि मैंने सोचा हो कि मैं अर्तुरुल हूँ और मैं
ये सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो खुद ब खुद चीज़ें, क्योंकि आप जब बोल रहे होते हैं, और मेरी कोशिश ये होती है कि जितनी चीज़ें ऐसी हैं जब आप बता रहे हैं लोगों को, तो वो इतने दिल से कहें कि लोग उसका असर भी रखें। आपकी आपकी पर्सनालिटी में, आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है कैरेक्टर करने के बाद? बहुत ज़्यादा, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपने तवक्कुल बहुत ज़्यादा रखना है, खुद पे सेल्फ बिलीफ आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपकी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और कमिटमेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये चार पांच चीजें इस कैरेक्टर की बुनियाद हैं, अगर आप गौर करें। अच्छा, और इसमें वेरिएशन भी बहुत है, कहीं इतना अतरुल गाजी चीख रहे हैं लाउड ऐसी टोन, और एकदम भी कहीं सॉफ्ट हो जाते हैं जब हलीमा आ जाती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और वो अच्छे लगते हैं, कौन से सीन लड़ाई झगड़े वाले सीन्स अच्छे यूं लगते हैं कि उसकी फॉलोइंग ज्यादा है, लेकिन आसानी हलीमा वाले डायलॉग्स में होती है, क्योंकि आपने नीचे नीचे मिड टोन पे रह के अभी थोड़ा सा ना आपका थोड़ा सा हम ये परफॉर्मेंस हाँ, वो कर सकते हैं दोनों साथ साथ। अच्छा, चीखने में मुझे लगता है सबसे जो मुश्किल है ना, वो जो वो तलवार चलाते हुए जो वो नहीं गुस्से की आवाज निकलती, वो भी मुश्किल है, लेकिन जब किसी फतह के बाद या अर्तुरुल को आप ये समझ रहे हैं कि वो मर चुका, और जब उसकी वापसी होती है, तो वो जो पूरे कबीले से खिताब है ना, वो बहुत मुश्किल होता है जी, क्योंकि उसमें आपने सिंक, मेरी कोशिश उस वक्त ये होती है कि हम अगर थोड़ा बहुत 19-20 पे कहीं हो रहा है, यहाँ ना हो, क्योंकि वो बहुत अच्छे डायलॉग्स होते हैं, तो वो मिस ना हो। मैं आपके एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो मेरे जहन में कब से है, कि पूरे सीजन में सबने एक कपड़े क्यों पहने हैं? आपने नोट किया, कपड़े नहीं चेंज होते, इतना बजट है इनका, सब कुछ चेंज हो रहा है, एक ड्रेस हलीमा ने, एक ड्रेस पूरे सीजन में पहना। शहर से दूर है कबीला, और वहाँ कोई मॉल नहीं। मैं सबसे पूछूं, आप लोगों से पूछूंगी कि ये क्या वजह है कि हर सीजन में इतना बेइंतहा बजट होने के बावजूद एक सबने कॉस्ट्यूम पहना है पूरी, मतलब 100-100 एपिसोड में रेपुटेशन नहीं हो रही। हलीमा, तुम बोर नहीं हो गई? आई थिंक लॉकडाउन था, तो वो SOPs इतने सख्त थे कि उसमें हम नहीं चाहते थे कि FIR हो जाए, तो हमने कहा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं और इसी में गुजारा करते हैं। और रबिया, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। खुश तो तुम बहुत होगी, और मुझे लगता है गुरूर भी आ गया। लोगों को लगता है ऐसा कि गुरूर आ गया होगा, लोग अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है अब तो आप हलीमा सुल्तान हैं, अब तो आप लीड कैरेक्टर बोल रही हैं, अब कहाँ आप लिफ्ट कराएंगी। ये लोगों का देखने का पर्सपेक्टिव मुझे लगता है बदलता है, हम तो हालांकि वही हैं जो हैं। आज तो ये जेलस हो रही हैं आपको देख के, आज गुरूर नहीं है। नहीं, कोई गुस्सा नहीं करता कि आवाज निकालूं मैं तो लॉन के कमर्शियल करे कोई और। ये बड़ा बहुत मुश्किल था वो, और ये जो जब कैरेक्टर्स भी पाकिस्तान आए हैं, तो मैं समझती हूँ कि एक हमारा एक मुलाकात का एक सेशन होना चाहिए, एक खाबा होना चाहिए, ऐसे जैसे आपने यहाँ दस्तरखान सजाया है, ऐसा होना चाहिए कि हम वैसे भी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उन कैरेक्टर्स को हम ज़्यादा जीते हैं, ज़्यादा समझते हैं, उन कैफियत में रहते हैं, हालांकि हमारी अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात हैं, हमारी अपना एक अलग लाइफ स्टाइल है, लेकिन उसके बावजूद भी एज एन आर्टिस्ट हम उस किरदार को निभा रहे होते हैं। बट आपको लगता है कि इतना और बहुत ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं, तो मीडिया को आपको ज़्यादा कवरेज देनी चाहिए, आपको भी इंडोर्समेंट्स मिलने चाहिए, आपको भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए, बिकॉज आप तो एक्चुअली वो कैरेक्टर कर रहे हैं। एहतसाम भाई, आपको फ्रस्ट्रेटिंग लगता है? बिल्कुल ऐसा है, कभी कभी हम सोचते हैं, लेकिन देखें ऑन स्क्रीन जो चीज़ें हैं हमें पता है कि वो लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि जितनी खिदमत उर्दू की इस प्ले से हो गई है, उर्दू जबान की तरवीज के हवाले से, तो उसमें यकीनन इस पूरी टीम का हिस्सा है ना, उस टीम को पहचान, उस टीम को कोई हौसला, कोई कोई शनाख्त कुछ होना ज़रूरी है, और उससे ये होगा कि सिर्फ हम नहीं, ये इंडस्ट्री परवान चढ़ेगी, ये इंडस्ट्री आगे जाएगी, वो बहुत ज़्यादा। और हमारे ये आर्टिस्ट, हमारे ये कितने हीरे हैं हमारी सोसाइटी के, इनको ये हमारे लिए स्टार्स हैं, और हम अपने बिलबोर्ड्स पे, इंडोर्समेंट्स पे इनको देखना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको हम पहचानते हैं कि इन्होंने इतनी प्यारी आवाज़ दी इन कैरेक्टर्स को, और समझने में आसानी हुई। अगर अच्छी डबिंग ना होती ऑनेस्टली आपको मज़ा ही नहीं आना था, आपको आप फॉलो ही ना करते, तो गुड डबिंग का इतना अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर ये इसलिए PTV भी इतने इन्वॉल्व थे, सुपरवाइज कर रहे थे एक एक डायलॉग, एक एक लाइन को, सेंसरशिप भी चल रही इसीलिए, अगर डबिंग गड़बड़ हो जाती ना तो इसने क्लिक नहीं होना था। नादिया, ये आपकी बहुत प्यारी बात है, और यहाँ पर मैं जिन जिन लोगों का क्रेडिट बनता है ना, उनको भी मैंशन करना चाहती हूँ। आसान नहीं होता कि जब आप लीड कास्ट कर रहे होते हैं किसी ड्रामे के लिए ऑन स्क्रीन, तो भी आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं कुछ कैरेक्टर्स, कुछ लोगों को जहन में रखते हैं कि अच्छा अगर ये मना कर देता है, इसकी डेट्स का मसला है, तो उसको हायर कर लेंगे। यू हैव डन प्रोजेक्ट्स, यू नो कि किस तरह से होता है सिलसिला।
डबिंग में जब आप किसी को लीड कैरेक्टर देते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो इसमें कमिटमेंट का बड़ा सिलसिला है कि क्या ये 5 सीजन तक बंदा या बंदी स्टे करने वाला है हमारे साथ, क्या टाइम देगा, ऐसा तो नहीं बीच में परेशान करना शुरू कर दे। उन दिन डेट्स में ना छुट्टी पे जा सकते हैं, तबीयत खराब हो तब भी आपको आना पड़ेगा। कितनी ऑडिशंस हुए हलीमा के लिए और उसमें आप सेलेक्ट हुई? खुरम भाई प्रॉब्ली हैव एक्सप्लेन्ड, और इफ नॉट तो मैं बता दूं आपको कि मेरे कैरेक्टर के लिए ये उनका भरोसा था, पहली बात कि मैंने उनके साथ पहले कभी काम नहीं किया, और दूसरा ये कि ये पहला ऑडिशन था बकौल उनके और वो मेरा ही था। अरे वाह। और मैंने इत्तेफाक से, मुझे लगता है कि मेरी हर किसी की ग्रिप होती है किसी खास चीज़ पर, तो मेरी एक्सप्रेशंस पे मुझे लगता है कि ग्रिप अच्छी है। हाँ। और जो सीन मेरे लिए ऑडिशन के लिए रखा गया सामने वो गुड लक, और ये देखें कि पाकिस्तान के जितने मर्द हजरात हैं वो आपकी आवाज़ ज़्यादा सुनते हैं, आपका एक भी डायलॉग नहीं मिस होने देते क्योंकि हलीमा स्क्रीन पे और हलीमा क्या कह रही है उनको लगता है शायद हम ही कुछ कह रहे हैं सवाल जब वो गुस्से में होती है। अच्छा कुछ ज़रा थोड़ा सा आपकी साथ में चाहेंगे कोई डायलॉग्स हो जाएँ अगर आपको याद हो, आपका कोई फेवरेट यादगार सीन वो घोड़े वाला। अच्छा एक बड़ी अजीब बात है, जब अर्तुरुल गुड न्यूज़ देते हैं ना उनको गुड न्यूज़ मिलती है बेगम की तरफ से, जब का कुछ बुरा होता है वो जैसे ही शुरू होता है सीन मैं अपने रिकॉर्डर्स को कहता हूँ यार कुछ होने वाला है बैड न्यूज़ बन जाती, किडनैपिंग हो जाएगी, मतलब दो तीन दफा जब भी गुड न्यूज आई है तो कुछ बुराई राजन आ जाएंगे इस तरह से, कुछ ना कुछ लाजमी होना है। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ, उस दिन उस्मान का था सिलसिला कि वो रिकॉर्डिंग के वक्त मैंने कहा फिर कुछ होने वाला है, बड़ा हैवी सीन आने वाला है। डायलॉग एक मेरे ख्याल सीजन 1 था, वो जो अल अजीज वाला सीन था मुझे याद है, और पता नहीं वो भी याद रह जाता है वरना डायलॉग याद करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम उसके करीब करीब हम बात कर देख के पढ़ रहे होते हैं। मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूं हलीमा सुल्तान, मेरी मौत पर आंसू न बहाना, मेरी जबान पर अल्लाह का नाम रहेगा आखिरी सांस तक, और मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत। अर्तुरुल जब आप नहीं रहेंगे तो मैं आपको बहुत याद करूंगी, आखिरी सांस तक मेरे दिल में आप ही रहेंगे, और हर लम्हे आपके पास आने की दुआ करूंगी। कितना रोई हो ना तुम इस सीन में। और पता है एक तो होता है रोना, एक होता है कि जब अर्तुरुल उसको उनको लगता है कि वो हिज नो मोर, उनको बिल्कुल वो शहीद हो गए हैं, तो जो उस पे हलीमा का रोना होता है ना, चाहे वो जहर वाले टाइम पे हो या चाहे वो जब उनकी अभी जो सीजन में चल रहा है। आपने हिफ्ज़ कैसे किया हुआ है पूरे 5 सीजन? मैंने ये मतलब आपको सब पता है, एक एक सीन आपको याद है कैसे? मैंने देखा लेकिन बस वो देखना था, वो इतना मैं इन्वॉल्व हो गई थी, लेकिन वाकई उनका जो इवन 4th सीजन जब शुरू होता है और उसमें वो उनको ढूंढ रही हैं और उनको मिल नहीं रहे, बहुत बुरा रोई भाई, बहुत रोई। नादिया सबसे ज़्यादा मुश्किल सीन्स तब होते हैं जब इनहेल एक्सहेल बहुत ज़्यादा होता है और आपने आपके डायलॉग्स नहीं हैं लेकिन आपने एक्सप्रेशन से वो चीज़ डिलीवर करनी है जो किसी ने परफॉर्म की हुई है, तो उस वक्त बहुत ज्यादा चक्कर भी आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा भी आ जाता है, चिल्लाने पे मुश्किल हो जाती हैं, ब्रेक लेना पड़ता है, सर पकड़ना पड़ता है। हलीमा बहुत रोई है, बड़ा खौफनाक, बिकॉज़ वो उनका अल्टीमेट गम होता था, अल्लाह माफी बेचारी बहुत ही, और जब वो बीमार होती हैं सारा वो भी, अभी खैर आगे बहुत सारी चीजें, मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्यों बताऊँ, खुद ही आप देखिएगा, लेकिन मुझे सब पता आगे क्या होने वाला है जी। और साथ में मिलते हैं जी सादतिन कोपिक से, एक ऐसे विलन जो कि उनकी क्या दहशत है, और बात करते हैं क्या दिमाग है उनकी, क्या स्कीम्स हैं, क्या गेम्स खेल रहे हैं, उफ खौफनाक विलन एंड एक्सेलेंट कैरेक्टर, बड़ी अच्छी डबिंग की आपने भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? और आसिफ इलियास इनका नाम है, आसिफ इलियास भाई ठीक है, वेलकम टू द शो। थोड़ा सा खड़े होंगे सादतिन के स्टाइल में, उस स्टाइल में तो जब ही खड़े हो सकते हैं जब वो पूरा कॉस्ट्यूम होगा जैसे आपने पहना हुआ है माशाल्लाह, जैसे रबिया को जाली सी हो रही है तो मुझे भी हो रही है कि अगर मुझे भी मिल जाता तो और फीलिंग अच्छी आ जाती। कितने अंगूर और सेब खाए हैं आपने ये बताइए? अभी तो इन पे नजर है फिलहाल मेरी। नहीं सादे दिन खाते रहते ना फ्रूट, मुझे वो स्टाइल बड़ा पसंद है, दाढ़ी वो जो दाढ़ी आला, ये जरा थोड़ा सा डायलॉग्स इसके बताएं ना, जरा आला कह के इधर, ये बड़ा सब पसंद करते हैं। वो उसका एक मशहूर यही है, आला बहुत आला और थोड़ी सी लाइंस भी हो जाए प्लीज। अच्छा लाइंस भी? हाँ। वो मुझसे जब मेरे पास कॉल आई केजेएन टीम की, एंड देन फिर उसके बाद कामी ने भी मुझे कहा कि सर्च कर लीजिएगा,
तो मैंने कहा यार इतना कर लिया है, इसमें रोमांस भी है, इसमें गुस्सा भी है, इसमें चीखना चिल्लाना भी है, बहुत सारी वेरिएशन है, मैं कौन सा क्लिप। तो मैंने फिल बदी एक बनाया है जिसमें मेरा असलेहान के साथ क्योंकि चक्कर है, रोमांस है, ऐसा तो वो हाँ तो वो अब असलेहान उनको लिफ्ट नहीं कराती, एंड देन फाइनली उनकी शादी भी नहीं डायलॉग कि तुम अगर मेरी ना हुई तो तुम किसी की भी नहीं हो सकती, जी, वो जी, वाली ऑब्सेशन है आपकी, तौबा है वैसे। असलेहान तुमसे तो बहुत अच्छी है नादिया खान जिसने सजाया मेरे लिए दस्तरखान और उसमें अनवा अकसाम के पकवान साथ में दुम्बे की बिरयानी, लेकिन तुम ना मानी, आला बहुत आला बहुत आला। आर्टिस्ट है आज़मी भाई, जबरदस्त। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पीटीवी का कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, जैसे कि बात हो चुकी है कि ऐसे ही सिलेक्शन नहीं हो गई कि आसिफ इलियास एक तजर्बा रखते हैं तो उन्हें ले लिया जाए। और मेरे करेक्टर के बारे में तो पहले ही बात हो चुकी है कि काफी ऑडिशंस हुए थे जब केजीएन टीम की तरफ से कॉल आई, तो बिल्कुल 11 ऑडिशंस के बाद जो है आसिफ इलियास को सिलेक्ट किया गया। जी जब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, जी जी मुझे जब कहा गया तो मैंने कहा ऐसी मुझे प्रेशर में लाने के लिए कह रहा हूँ कि भाई हमने आपको इस कैरेक्टर के लिए बुलाया है। और वाकई जब वो करेक्टर मेरे सामने आया तो मैंने कहा मैं ये कैसे बोलूँगा, लेकिन ये सपोर्ट थी और गाइडेंस थी हमारे साथ जो एसोसिएट होते हैं डबिंग डायरेक्टर में कामरान, कि उसने बुलवा लिया। मैं इसीलिए हर एक को ये कहता हूँ जब लोग हमसे पूछते हैं कि हम डबिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ आवाज़ का अच्छा होना अच्छा नहीं है, अगरचे आपके साथ डबिंग डायरेक्टर बहुत अच्छा क्वालिफाइड ना हो, जो म्यूज़िक का सेंस भी रखता हो, जो पिचेस भी जानता हो, जो ऑडियो की डिज़ाइनिंग जानता हो, कि जिसमें अब मेरी आवाज़ जो है आप सुन रहे हैं जिस तरीके से उसकी साउंड डिज़ाइनिंग हुई है वो सारा क्रेडिट केजीएन टीम को जाता है, एंड देन स्पेशली काम सादे तुम कैरेक्टर को अगर देखा जाए क्या जहर बनाने के स्पेशलिस्ट हैं भाई। हाँ जी जी, पीएचडी की भी उन्हें जहरोलॉजी में, ऐसे ऐसे जहर बनाते हैं बनवाते हैं और वो जिस तरह देते हैं उनका मारने का हर एक स्टाइल का फर्क है, बड़ी वेरिएशन है उनकी कत्ल करने में। खुद हैरान रह गया था ये क्या किया है। आल पाले जी गुंडूस भी यहाँ बैठे थे, पता मैंने जान को बुला के मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो कितना क्यूट बेबी और कितना बहादुर है, तुम्हें मजा आया उनको आँख को फाड़ने में। जी बिल्कुल, आरिस की मजा बहुत अच्छा मजा आया, जैसे वो आरिस की आँख जैसे फाड़ी है ना वैसे मुझे लग रहा ही नहीं है कि आरिस की आँख फाड़ी है। कंफर्म कैसे किया? कंफर्म मैंने ये किया कि मेरा डायलॉग जो है ना बढ़िया है और अच्छा है और करेक्टर जो मेरा है ना वो बिल्कुल अच्छा है। तो ये अली अब्बास तुम बताओ स्कूल में तो बड़े सब मशहूर हो रहे होंगे, तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे भेज रहे होंगे दोस्ती कर लो हमसे दोस्ती नहीं मैं फेसबुक पे कुछ नहीं। इंस्टा है तुम्हारा? नहीं। टिकटॉक बनाते हो? क्या कर रहे हो बेटा अभी तुम आर्टिस्ट हो, इतने कमाल आर्टिस्ट हो, तुम्हें तो ये चीजें सारी करनी पड़ेंगी। नहीं मैं शायद टिकटॉक बना, टिकटॉक अपने भाई के साथ बनाता। अच्छा भाई के साथ, देखा ये ठीक है, कुछ तो जरा ऐसा होना चाहिए। बहुत प्यारा कैरेक्टर और वो बच्चा मैं बताऊँ इतना इंस्पायरिंग है, जो बताता है he's fearless like his father, जो अपने इसलिए जो घर में जैसे बुजुर्ग होते हैं फिर बच्चे उनसे सीखते हैं, हालांकि एक उसने बेवकूफ़ी जो की ना, जो सीखना चाहिए कि कभी किसी के साथ नहीं जाते, कि अगर कोई बड़ा कहता है ना आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ बाग की सैर पे, आओ मैं तुम्हें गार्डन दिखाऊँ, दरख्त दिखाऊँ, आओ मैं तुम्हें चीज़ दिखाऊँ, वो किडनैपर होता है। जी पता चला तुम्हें, तुम कभी किसी स्ट्रेंजर से बात ना करना बेटा, वादा? ठीक है जी, चलिए हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जी और भी हम कैरेक्टर से गपशप करेंगे, अभी तो मम्मी द ग्रेट भी रहती हैं, क्या बात है, आई मा हातून से भी हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। नया ट्रेंड सेट किया पीटीवी के इस जो है जो काविश है, काविश सही लव सर? बिल्कुल ठीक सर। अच्छा क्योंकि उर्दू में ये बहुत माहिर हो गए अब मेरी क्या, अब तो पीटीवी बैठे इनसे ही पूछ ले फाइनल तो इन्होंने करना है। आजकल आपकी उर्दू बहुत जबरदस्त जा रही है तो मैंने कहा जरा पूछ लूं, इस काविश को हम सब ने बहुत अच्छा सराहा है, ठीक बोल रही हूं? जी हाँ सराहा है। और जो है मैं मेरे अब्बा जितने इमोशनल हो जाते हैं इतने सेंसिटिव, वो एक्चुअल का जब टाइम आता है हमें निकाल देते हैं, जाओ तुम बात नहीं करो, जाओ यहां से, मेरा एपिसोड लग रहा है, अजान सेटिंग कर दो, आवाज़ उस पर अभी स्पीकर पे सुनना है ना उनको। तो जितने मेरे अब्बा माशाल्लाह इन्वॉल्व हैं, आई एम श्योर कि सब पाकिस्तानीज़ ने बड़े दिल से अर्तुरुल गाजी के एपिसोड्स डब्ड इन उर्दू जो हैं देखे हैं और देख रहे हैं और मोहब्बत हो गई सब कैरेक्टर से। लेकिन मोहब्बत तब होती है कि जब उनकी आवाज़ आपको समझ में आए और साथ सूट करें, तो ये बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट था। एंड मैं कहती हूँ बहुत बहुत मुबारकबाद, ठीक है बहुत बहुत मुबारकबाद, मैं अच्छी उर्दू में बोल रही हूँ कि आज सबकी नज़रें होंगी मेरी उर्दू पर,
सब जागे होंगे और सब देख रहे होंगे जी। तो बहुत ज़बरदस्त ये जो कोशिश है, बहुत सबको मैं कहती हूँ, सारी जो टीम है उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हलीमात, उनसे हलीमात तो ये थी, क्या थी, हाइमा, ये नाम मिलते जुलते हैं ना, हाइमा हातून, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही करेजस माँ वालिदा दिखाई हैं, जो कि जब दुश्मन आता है तो फिर उनके बाद वो कहती हैं तलवारें उठा रो शुरू बहुओं को लेके, और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कितना अच्छी वो माँ है, दादी हैं, मदर इन लॉ है। और गुंडू उसको सब समझ आ रही है, तुम क्यों सर हिला रहे हो हैं, अच्छी लगती है दादी जी, है ना, कितना अच्छी है। अच्छा तुम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं शीरीन अख्तर जी। कैसा शीरीन जी आपको, मैं ठीक हूँ। कैसा लगा आपको ये हाइमा वालिदा का कैरेक्टर करना, इसकी डबिंग? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कैरेक्टर, चैलेंजिंग था ऑब्वियसली, बिकॉज उतार चढ़ाव, यू नो, इमोशंस, गुस्सा, सरदार है, कभी कभी रो रही है, कभी बच्चों की शहादत पे, कभी बच्चों की तकलीफ पे, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ अप एंड डाउन। अच्छा, उनको देख के ना सुकून मिलता है, हिम्मत सी आती है उस कैरेक्टर को, नहीं आपको भी नहीं लगता कि जैसे सही है भाई, अपना आपका ईमान स्ट्रांग होना चाहिए और आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। बहुत नादिया, एक और चीज़, यू नो, आप इसमें सिर्फ ये देखें कि हम इतने साल पुरानी बात कर रहे हैं ना, और उसमें ख्वातीन की इतनी एम्पावरमेंट दिखाना इज़ नॉट अ जोक। ट्रू, तो ये इसमें दिखाया है कि अर्तुल गाजी के पीछे देखिए पिलर है, उनके उनके फादर तो हैं ही, लेकिन वालिदा की जो स्ट्रेंथ दिखाई है थ्रू आउट, हमेशा वो अपने बेटे को ऐसे भेजती हैं कि शायद वापस ना आए, वापस ना आए, मगर उनका एक आंसू नहीं है, एक अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही चीज पोकर फेस, एंड शी इज नॉट शोइंग कि मुझे अंदर बहुत गम है। तो ये जो कैरेक्टर था बहुत मुश्किल था, और मेरे साथ प्रॉब्लम है कि हम 8-8 घंटे मुतवातर बैठ के हमने इस कैरेक्टर को किया, मीन मेख सही करना, उर्दू की करेक्शन, जिस तरह से आपने कहा, सबसे पहले तो मैं पीटीवी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, बिकॉज आई हैव लर्न सो मच उर्दू फ्रॉम दिस प्ले, जिस तरह आपने कहा रिजेम्बलेंस भी है, थोड़ी रिजेम्बलेंस भी है, मतलब आपको लग रहा है? बिल्कुल, मुझे रिजेम्बलेंस भी लग रही है इसमें। तो आपको मजा आया ये इसकी डबिंग करके कैरेक्टर की? हाँ, मुझे बहुत मजा आया। और 1.5 मिनट बाद आपको बुरी खबर मिलती है, अच्छा मैं कह रही होती हूँ डबिंग के वक्त, मैं कहती हूँ यार अब कोई बुरी खबर आ, अब मुझे रोना पड़ेगा, फिर वो सांसें ऊपर नीचे, कभी चीख रही है, कभी प्यार कर रही है, कभी इमोशंस आ रहे हैं। तो और एक्चुअली कुछ ऐसे सीन्स थे जहाँ मैं रोई हूँ बकायदा, यू कुड, माई टीयर्स वर आउट। आप नहीं कर सकते, वॉइस एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है, इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक जी, इट इज़ अ फुल। और इतनी अच्छी उर्दू बोलना, और कोई खास स्टाइल है हाइमा हातून के बोलने का? बेसिकली आई फील उनमें बहुत रोब है और कहीं मोहब्बत भी है, तो उसमें आपको दोनों जो है ना वॉइसेस के आपको आपको उतार चढ़ाव नजर आएगा। और कबीले की हेड है भाई, चीखना भी है, ट्राइब की वो जान है, हेड है, बिल्कुल। और चीखना वो सबसे मुझे मुश्किल लगा, बिकॉज छिल जाता था गला, होता है छिलिंग, मुझे बता रहे थे भी एहतिशाम भाई कि ये तो एक दिन की डबिंग के बाद अगले दिन आपके कॉन्स्टेंटली सर में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। फर्क क्या है मैडम की बात कट रही है शीन साहिबा की, फर्क यह है कि जो कैरेक्टर्स थे ना उन्होंने माइक पे नहीं बोला हुआ, आप डायरेक्शनल माइक पे बोल रहे होते हैं, जब आप अगर आप ज्यादा चीखेंगे वो ब्लास्ट कर जाएगा, उस डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए उस एक्सप्रेशन तक जाना है, ये चैलेंज है, वरना तो आप चीखने जितना वो चीख रहा है, लेकिन ये कि आपने माइक को भी तो देखना है ना, उसका डिस्टेंस देखना है, ब्लड प्रेशर तो नहीं होगा किसी कैरेक्टर को, कुछ नहीं, आपको बीपी हो हो चुका है इसमें डबिंग के दौरान हो चुका, क्योंकि होता है कि आप बार बार जब गुस्से में आते हैं और ये वो सारा बीपी कौन शूट अप होता होगा, क्या चल रहा है आजकल बीपी का रेट है 150 के करीब, तो बताओ बच्चे हम भाई, आप गोली खा रहे हैं? हाँ खा रहे हैं प्लीज, बट मैं दुआ कर रहा हूँ ये खत्म हो जाए तो शायद मैं भी ठीक हो जाऊँ। अपना ख्याल रखें, अभी एक सीरीज और जबरदस्त चल रही है, अपने आप मतलब थोड़ा सा ठंडा रखें, अपने आप को थोड़ा रेस्ट रखें। अच्छा हाइमा जी, आपका गुंडूस के बड़े मजे के कुछ सीन्स, हर जगह हमेशा वहाँ पर एक ही बात है, दादी सदकी, दादी कुर्बान, दादी कुर्बान, एंड आई हैव एंजॉयड डूइंग इट। यू नो बिंदु, फिर आप क्या बोलते हो, जरा जरा थोड़ा सा एक्टिंग करके बताओ ना थोड़ा सा। वालिदा पहले मैं बोलता था, मां ये बोलती थी दादी कुर्बान जा, वहां बोलो ना दादी कुर्बान हो जाए, उनको देख के बता लेगा जी। बेटा कुंदूस, बेटा क्या क्या कुंदूस, कुंदूस भाई वो दादी कुर्बान हो जाए, दादी कुर्बान हो जाए गुंदूस पे, ये मैंने मुतवातर जो है ना गुंडूस पे मैं कुर्बान हुई, पता नहीं कितनी बार अभी भी जिंदा बैठी हूँ इसके बावजूद, आई एम स्टिल अलाइव। कितने खाने बनाए हैं आपने? बहुत ज्यादा,
बहुत ज्यादा खाने बनाए सबको, पार्टी होती थी ना, दावत है और साथ में चले शुरू मम्मी शुरू हो गई, कसाई भी बन रही, उनको भी मॉनिटर कर। गोश्त काटने में आपको कितना टाइम लगता था? मैंने नहीं काटा ना, मैंने सिर्फ कटवाया खड़े होकर। लड़कियों को बुला लेती हैं उनसे, और जो कार्पेट्स का आप जो काम सिखा रही हैं और उनसे करवा रही हैं वो बहुत कमाल है, क्योंकि लगता है काई ट्राइब का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम थी जो औरतें कार्पेट क्या कहते हैं कालीन, ऐसे कालीन बनाती थी कि जो कोई और नहीं बना सकता, और जो आदमी है सारे वो हिफाजत करते थे और जाते थे जंगल में, कालीन भी बना रहे थे। हम टाइम खत्म हो गया, व्हाट इज दिस? अच्छा मैंने, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, मैं इतना पहले मुझे लग रहा था 2 घंटे हम क्या क्या बातें करेंगे, मुझे लग रहा है कि शायद 20 घंटे भी कम हो। माशाल्लाह, बट रियली बहुत, मैं चाहूँगी बाकी भी आर्टिस्ट डबिंग आर्टिस्ट जो हैं सीरीज़ के, जिन्होंने इनको सक्सेसफुल बनाया, मैं कहती हूँ एक्टिंग से ज़्यादा मुश्किल काम है ऑनेस्टली इन लोगों से मिलने के बाद, कि डबिंग कितना मुश्किल काम है। खुर्रम भाई, कुछ आप अपनी टीम को कुछ यहाँ कहना चाहेंगे? सब प्लीज़ यहाँ आए, ऐसे सामने माइक नहीं को नहीं, मेरे माइक में बोल रहे हैं जी, हैंड माइक दे दो जी जी। ये है कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है इंक्लूडिंग पाकिस्तान टेलीविजन, सबों का जो है कंटिन्यू। अच्छा माइक नहीं है, अच्छा माइक नहीं, मुझे हैंड माइक ला दो, लेकिन ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये क्या था, हे वाला, हे वाला, हाँ उर्दू में क्या कह रहे हैं, मुझे अरबिक अरबिक यानी टर्किश तो पता है, लेकिन क्या कहते हैं, शुक्रिया, चोकशुक का क्या मतलब है? अरे टर्किश में बार बार वो बोल रहे होते थे जी जी। अच्छा थोड़ा सा हम यहाँ आएंगे इधर, और मैं चाहूँगी कि टीम के, मैं चाहूँगी कि प्लीज़ जैसे सीरीज में सबने लैंप पे अटैक किया होता है ना, जरा वो भी होना चाहिए रियल लाइफ में, वही आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं जो सीरीज में देखते हैं, केक, जी जी केक ज़बरदस्त, और मैं टीम के साथ यहाँ जो मुझे उठ मिला जी जी, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो आज आपने मॉर्निंग एट होम पे आपने देख मिले आप सब डबिंग आर्टिस्ट से जिन्होंने इस सीरीज़ को सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच पीटीवी, कि ये कहती हूँ मैम तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है, इससे हमें बहुत सबक मिला है, सीखने को मिलता है, और साथ में एंटरटेनमेंट एट इट्स पीक। तो थैंक यू पीटीवी, और साथ में जो डबिंग टीम है, मैं चाहूँगी कि ये अर्तुल भाई, अलीमा आना ज़रा, वालिदा वालिदा आए जरा। अच्छा ये अच्छा ये केक भी ना थीम पे है, तलवारें, खंजर, कुल्हाड़ियाँ, हाँ जी वालिदा आए, कोपिक भाई हाय मजी इधर आएंगे आप, हैप्पी बर्थडे नहीं माशाल्लाह, बस ये अर्तुल हैप्पी टू यू, बेस्ट ऑफ पीटीवी, बेस्ट ऑफ पीटीवी, और यहां पे कहेंगे सादतीन को पैक, चलें जी आला आला बहुत आला, इसके लिए वैसे वो तलवार